तो आज के सेशन में मुख्य रूप से आज आप लोगों को एक व्यवहारिक नॉलेज, मेरे मित्र कहूँ, दोस्त कहूँ या जो भी कहूँ, उससे बढ़ के ही है, या फिर हम लोग साथ में काफ़ी समय तक हम लोगों ने स्ट्रगल भी किया है। तो उदय भान जी आपके साथ में आएंगे। सर इस समय MPPCS 2014 बैच से हैं और डिप्टी SP के रूप में ट्रेनिंग हो चुकी है, और भी बाकी जो अनुभव है। कुछ आप लोगों के क्वेश्चन रहेंगे वो आप बाद में बताइएगा, जो भी क्वेश्चन पूछना चाहो आप बहुत क्लियरली पूछिएगा, बहुत फ्रैंकनेस के साथ आपको सारी चीज़ें बताएंगे। और बहुत युवा हैं आप लोगों की उम्र में हैं, है ना, तो ये होगा कि एक कनेक्शन जो है, बॉन्डिंग है, वो आप लोगों की बन पाएगी। तो मैं उन्हें अभी बुलाऊँगा आप लोगों के पास, और सर से जो है परिचय आप लोग जो पूछना चाहो। एक स्टूडेंट की लाइफ में आप लोगों के साथ अभी बहुत सारे क्वेश्चंस दिन प्रतिदिन में आते हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूं और बताता रहता हूं। लेकिन अब मेरा एक ये भी उद्देश्य है कि जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो सिलेक्टेड लोग हैं, फाइनली बहुत बड़ी एक श्रृंखला है, तो उनमें से मैं एक एक पर्सन को लगातार जो है, जैसे सबको समय मिलता है, उसी श्रृंखला और कड़ी में आप लोगों के साथ बुलाता जाऊँ और मिलवाता जाऊँ। तो मेरे बड़े अजीज मित्र हैं, ठीक है, हम लोग 2015 में एक साथ मिले थे और 2015 से लगातार जो है लगे हुए थे, और सर का जो है अगले ही साल सिलेक्शन हुआ था। तो एक बार जो है मैं चाहता हूँ कि उनसे रूबरू हूँ और आपको सारी चीज़ें बताएं वो, ठीक है। जो भी पूछना चाहें खुल के पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शानदार व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले हम आइए सर, मोस्ट वेलकम सर जो हैं कोई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले मैं संस्था की तरफ से, चूँकि सर जो है एक तरीके से समझिए, जब आपका एक मित्र होता है और वो मित्र सफल होकर के आपके साथ मिलता है तो कैसा लगता है, आपके ही बीच में कोई व्यक्ति, तो मैं चाहता हूँ कि सर को जो है संस्था की तरफ से थोड़ा सा मेरे द्वारा जो भी एक मित्र के लिए इसको लाइए मुझे। तो आप लोग जो भी पूछना चाहें, पहले सर अपना अनुभव और सारी चीज़ें थोड़ा बहुत बताएंगे, और जो आप पूछना चाहें जो खुल के, ठीक है। एक स्टूडेंट लाइफ में एक व्यवहारिक नॉलेज जो आमतौर पे हमें नहीं मिल पाता है, लोग नहीं बताते, या सिलेक्टेड कैंडिडेट भी बहुत सारी चीज़ें बताते, मैं चाहता हूँ खुल के आपको पता चले। प्रशासन के बारे में भी कुछ जानना चाहते हो तो भी आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। लीजिए, तो गुड मॉर्निंग सबसे पहले आप लोगों को करना चाहूँगा ना, आज की सुबह में आप सब लोगों का वेलकम है। और मैं बहुत बहुत दिनों से मेरे यहाँ आने की बात चल रही थी, मतलब 1-1.5 साल हो गए आ रहे हैं, लेकिन कभी प्लान ही नहीं बन पाता था कभी छुट्टी नहीं मिल पाती थी, ट्रेनिंग में बिजी रहते थे, तो फाइनली अभी आ ही गए तो बहुत लंबा टाइम लग गया आने में वैसे तो पर अच्छा है जब मिले। और दूसरी चीज़ ये बोलूँ कि मुझे देखो बोलने या मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं कि आप लोगों को इतना अच्छे से बता पाऊँगा या सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग वैसे भी उम्मीद मत करना कि रवि जैसा मैं समझा पाऊँ आप लोगों को लेकिन एक चीज़ है कि जो मेरे जर्नी है, जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं अपने, वो मैं आपको मतलब कहना चाहिए जितनी ईमानदारी से शेयर कर सकता हूँ वो करूँगा, और उसमें जो कुछ आप ढूंढ सकते हैं अपने लिए वो आप देख लीजिए। हाँ, ये है कि जो मेरे अनुभव हैं उनको मैं बिल्कुल खुले रूप में शेयर करूँगा, उसमें कोई वो नहीं है कि मैं कोई यहाँ बनावटी बात या कुछ ऐसी चीज़ें जो आदमी बाद में बोलने लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, है ना, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मैं भी उसी बेंच में था कुछ दिन पहले तो आपकी स्थिति मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हम क्या सोचते हैं वहाँ पे, कैसे तैयारी में कितनी दिक्कतें आती हैं या क्या सारी चीज़ें हैं, और सिलेक्शंस के बाद क्या है। तो सबसे पहले ये है कि आप लोग कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, लगभग 1 मंथ, मतलब 1 साल के अंदर वाले ही हैं सब लोग ना। मैं 2-3 चीज़ों पे बात करूँगा, एक चीज़ तो हम सिविल सर्विस की तैयारी हो गई, दूसरा जो उसमें हमारे बीच में दिक्कत आती है, बीच में बोलें कि सिलेक्शन नहीं हुआ या टाइम लगता है, तो उसमें हमको क्या दिक्कत होती है, कैसी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है और क्या करना चाहिए, और दूसरी चीज़ कि UPSC और स्टेट
इसमें हमारा हमेशा डाउट चलता रहता है किसको फोकस करें किसको ना फोकस करें, तो इन सब चीज़ों के बारे में मेरा जो अपना व्यू है वो मैं रखूँगा आप लोगों के सामने। तो सबसे पहले ये है कि तैयारी के लिए जैसे हम सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो कम से कम 1-1.5 साल तो ये मांगती है, ये तो आप भी मान के चलो, है ना। तो तैयारी को जब शुरू करो आप तो जितना पेशेंसली शुरू करोगे वो बहुत ज़रूरी है। मतलब तैयारी जितना शुरू में सिस्टमेटिक कर लोगे आप 1 साल, उसके बाद आप सिर्फ उसको डेवलप करते रहोगे, आपके पढ़ने का तरीका, आपके परसीव करने का तरीका और सारी चीज़ें उसी टाइम डेवलप हो जाएंगी, आपकी मेंटेलिटी उसी टाइम बन जाएगी। उसके बाद आप कितनी भी क्लास कर लो, कहीं भी चले जाओ, वो आदमी अपने आप को नहीं बदल पाता, और जो आपका उस टाइम बेस बन जाता है उसी पे आप सारा काम करते हो। फिर सारी चीज़ें जो अलग से हम अपना अपने को क्या कहना चाहिए कि थोड़ा सा फर्निश करते हैं बाद में, या जो भी कमियाँ हैं या वो हैं, लेकिन जो बेस है वो वही बनता है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे हम सिविल सर्विस में हमारी वे ऑफ थिंकिंग लिखने के लिए या सारी चीज़ें तो पढ़ने से ही आती हैं, जो सोचते हो आप, तो लगभग जो आप बेसिक तैयारी करते हो ना उसको बहुत आराम से करना चाहिए, और सारी चीज़ों को मतलब व्यवस्थित रूप से एक बार अच्छे से कर लेना चाहिए, उसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आप सारी बेसिक्स नॉलेज को जो है मेन कोर सब्जेक्ट है हमारे हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी इकोनॉमी, इनके एग्ज़ाम में कभी नहीं आए, वो सेक्शंस कभी नहीं आते। जैसे इकोनॉमी की बेसिक्स है, हो सकता है एग्ज़ाम में नहीं मिले, जियोग्राफी की बेसिक्स नहीं मिले, लेकिन अभी आप UPSC का पेपर उठा के देख लो 1-2 साल से जो आ रहा है, उसमें क्या है बेसिक्स, जब तक आपको नहीं पता तो क्वेश्चन आप डील नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन तो बेसिक्स से नहीं पूछा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको करंट भी पता है फिर भी नहीं कर पाओगे अगर आपको उसका बेसिक्स पता नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हम सोचते हैं कि यहाँ से तो क्वेश्चन आया नहीं कभी, या ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, तो फिर कैसे करें। तो इसलिए उसको उसके बिहाफ पे, उसके अजम्पशन पे आप सारी चीज़ें कर पाओगे, अपना दिमाग लगा पाओगे या कुछ चीज़ें एलिमिनेट कर पाओगे, और जो डॉट्स की बात है हम डॉट्स जोड़ पाओगे, उसके लिए बेसिक्स तैयारी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जब आप शुरुआत तैयारी करते हैं तो जिस चीज़ को टारगेट किए हैं तो कम से कम अपने 2 अटेम्प्ट्स उसके लिए ही रखिए एक्सक्लूसिव। वहाँ डाइवर्ट जो बंदा वही डाइवर्ट हो जाता है जो शुरू में डाइवर्ट होता है। आप देखना जो UPSC सिलेक्ट होता है तो वो हमेशा शुरू में UPSC सिलेक्ट किया होता है, वही सिलेक्ट हो जाता है जल्दी, उसको स्टेट से शुरुआती 2-3 सालों में कोई मतलब नहीं होता है। बाद में सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो मुड़ जाए अलग बात है, फिर वो स्टेट की तरफ ध्यान देगा। और ये चीज़ें स्टेट में भी मैंने देखा है, मेरे बैचमेट्स हैं मतलब मेरे से भी यंग हैं, 2020-21 में भी आ गए हैं कई लोग। तो उनका रीज़न क्या रहा है, उनको कोई मतलब नहीं था UPSC क्या चीज़ होती है, उनको मतलब सिर्फ MPPSC से मतलब था, और उन्होंने 2 साल सिर्फ एक ही चीज़ को फोकस किया और निकल गए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप तैयारी करते हो, कोई भी स्टार्ट लेते हो, तो एक एक्सक्लूसिव रखिए उस एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी को। हमको लगता है कि हम ये भी दे लेंगे, ये भी दे लेंगे, ये भी दे लेंगे, वो हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा हो नहीं पाता। आप UPSC को अगर शुरुआत में फोकस कर लिए 2 साल तो फिर आपको पूरा कंसंट्रेशन आपको वहीं होना चाहिए, तो वहाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा है आपके सिलेक्शन की। अगर आपने स्टेट फोकस किया है तो पूरा फोकस स्टेट होना चाहिए, UPSC बोल जाओ उस दौरान, तो मैं बता रहा हूँ कि आपके 99% चांसेस हैं वहाँ सिलेक्ट होने के जहाँ आपने किया। जब हम इधर से इधर स्विच करते रहते हैं, उसमें क्या है कुछ रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, हो सकता है प्रीलिम्स निकल जाए, फिर मेंस में अटक गए, फिर ऐसा हो गया। मैं ये नहीं कहता कि अब बहुत सारा सिलेबस पैरेलल हो गया है UPSC और स्टेट्स का, तो तैयारी तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन आप उस दौरान मत करिए। आप स्टेट को फोकस कर रहे हैं तो स्टेट को दीजिए, और अगर UPSC को फोकस कर रहे हैं तो UPSC को दीजिए। उसके बाद अगर नहीं होता है, आपके 2 साल हो गए और जो भी है, फिर आप इसलिए दे सकते हो क्योंकि आपका इतना बेस बन चुका है, आपकी तैयारी डिस्टर्ब नहीं होगी। आपको UP आके देना है तो उस दौरान में नोटिफिकेशन आने के दौरान आप कंसंट्रेट हो जाओगे, 2-3 महीने में अपने एग्ज़ाम में फोकस कर लोगे, मेंस के टाइम मेंस में फोकस कर लोगे और निकल जाओगे।
यही यूपीएससी में होता है, जो बाद में इंसान कर लेता है सब जगह, यहाँ भी सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी। ये इस चीज़ पर इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। हमने शुरुआत की थी एमपीपीएससी से, एमपीपीएससी के एग्ज़ाम देना शुरू किए 2012 में ग्रेजुएशन होने के बाद। मतलब एक साल दिए एग्ज़ाम, फिर लगा नहीं आ रहा, यहाँ मज़ा नहीं आ रहा, यूपीएससी देना चाहिए, तो दिल्ली आ गए, यूपीएससी देने लग गए। तो उस दौरान मैंने देखा, लेकिन जब एमपीपीएससी का एग्ज़ाम की अपनी मेरी बेसिक सारी चीज़ें और वो क्लियर हो गई थी, तभी मैं यूपीएससी को ऑप्ट कर पाया या उसके लिए आगे बढ़ पाया। और फिर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था उस दौरान जब मेरा सिलेक्शन हुआ, यूपीएससी का ही पूरा फोकस था, लेकिन मेरा सिलेक्शन उस टाइम स्टेट में हो गया। तो उसका रीज़न ये नहीं कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, मैं उस फेज़ को पार कर चुका था। मैं जब एग्ज़ाम आया, मैं पूरा कंसंट्रेट हो गया एग्ज़ाम में, स्टेट को जाके हम दे आते थे, मैं यहीं रहता था, एग्ज़ाम के एक महीने पहले मेंस में चले जाते थे, दे आते थे, सिलेक्ट हो गए। तो उसका रीज़न ये है कि उसके पहले हमने वहाँ पर बहुत सारा अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा था, इसलिए हमने उसको एग्ज़ाम टाइम में आउटपुट ले लिया। और जब आपकी इतनी तैयारी हो जाती है, तो आप मान के चलो कोई भी फिर एग्ज़ाम दोगे जो उस लेवल का है, हर जगह चांसेस होते हैं सिलेक्ट होने के। उस 2016 की बात है ना, जब साथ में रहते थे, उस टाइम मैंने जो भी एग्ज़ाम दिए सब जगह लगभग हो, यूपी का भी मैं यहाँ पे पास में रहता था, तो लोअर भी दिया था उस टाइम, अपर भी दिया था, दोनों में सिलेक्शन हुआ था। उसके बीच में मेरा फाइनल सिलेक्शन ही हो गया, तो फिर मैं मेंस देने गया नहीं, तो वो इसलिए हो गया। अब मैं यूपी का भी फोकस थोड़ी नहीं था, लेकिन जैसे आप लोग तैयारी करते थे 10-15 दिन 5 दिन वहीं एग्ज़ाम के पहले देख लिए थोड़ा बहुत, हो गया तो हो गया। लेकिन उसका रीज़न ये था कि उसके पहले मेरे स्ट्रॉन्ग बेसिक्स बन चुके थे, उनको मैंने डेवलप किया। तो फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के एग्ज़ाम के प्रति। अपने डाइवर्जन की वजह से कई बार वो हो जाता है, जब आपका सिलेक्शन एक दो साल में नहीं होता है, तब आपको थोड़ा सा ऑप्शंस के बारे में विचार करना चाहिए, ये है। पर स्टार्टिंग से आप हर जगह भटकेंगे, तो उससे तैयारी एक कचरा टाइप की हो जाती है, और ख़ुद में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कभी, सबसे बड़ी चीज़ है। और बिना कॉन्फिडेंस के एग्ज़ाम में तो संभव नहीं है, बहुत दिक्कत है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या कॉन्फिडेंस हम बिल्डअप नहीं कर पाए उतना, तो फिर हमेशा डाउट ही बना रहता है दिमाग में कि यार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और यही हमेशा दिमाग में चलता रहता है कंटिन्यू। और जब आपकी तैयारी इतनी स्ट्रांग होगी, तो ऐसा एक इंट्यूशन होता है, इंट्यूशन अपने अंदर ही होता है, जब आपको हमेशा लगता रहता है। मुझे ये तो कभी नहीं लगता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बस हमें ये नहीं लगता था कि कब होगा, ये नहीं पता था कि कब होगा, लेकिन तैयारी से ये ज़रूर लगता था कि यार सिलेक्ट तो हो जाएंगे। और ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक आध साल के अंदर अगर आप ईमानदारी से अपने से पूछेंगे, तो आपकी आत्मा गवाह दे देगी कि मैं इस चीज़ के काबिल हूँ कि नहीं हूँ, काबिल इन द सेंस कि ये मेरे से हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा हूँ कि मैं इसको इंजॉय भी कर पा रहा हूँ। दूसरी चीज़, अब मैं थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में बात करूँगा कि किन चीज़ों पर फोकस रखना चाहिए या क्या है। तो सबसे बड़ी चीज़ है गाइडेंस, तो अपनी जगह है, हर चीज़ है। और मोटिवेशंस की भी मैं बात करूं, देखो मोटिवेट हम बहुत सारी चीज़ों से होते हैं, है ना, इतने टॉपर स्टॉक आजकल यूट्यूब से, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब आज से 5-10 साल पहले बड़ी मुश्किल होती थी, आज हर बंदा यहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे आके अपने आप को शेयर कर रहा है, आपको मिल भी रही हैं चीज़ें, है ना। लेकिन इन सब चीज़ों से आप बहुत देर तक मोटिवेट नहीं रह पाओगे, ये मान के चलो। आप कितने भी सेमिनार्स, मैं कभी यहाँ दिल्ली में रहा हूँ, कोचिंग्स में नहीं जाता था मैं कभी सेमिनार लेने, मतलब ये खुद का वो था मेरा पर्सनल, मेरे को लगता था कि यार उसका बंदे का सिलेक्शन हुआ ठीक है, लेकिन मेरा उसके सिलेक्शन से सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा, ये मुझे पता है। हाँ, कुछ उसकी चीज़ें हैं मैं जो देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, या क्या गलतियाँ हो रही हैं, लेकिन ये टॉपर स्टॉक और ये सारी चीज़ें, ये कभी ऐसा नहीं लगता था कि हाँ इन सब चीज़ों से हमारे तैयारी को बहुत ज़्यादा फोर्स मिल पाएगा, क्योंकि हम इन चीज़ों से बहुत कम ही मोटिवेट हो पाते हैं, प्रेरित हो पाते हैं, बहुत क्षणिक होता है। आप मन अगर खुद से अंदर से वो नहीं है, 2-4 दिन रहेगा इंसान, महीने भर रहेगा, उसके बाद फिर डाउन हो जाएगा, वो कंसिस्टेंसी ख़त्म ही हो जाती है। तो इन सब चीज़ों की आज इतना प्लेटफॉर्म ऑनलाइन बन गया है, तो इनका रिसोर्स का यूज में भी बहुत ज़्यादा अपने विवेक का यूज करना है, क्योंकि हम अपनी एनर्जी ना बहुत वेस्ट करते हैं, इसका वीडियो फिर उसका वीडियो, इसका नोट्स फिर उसका नोट्स,
तो उससे क्या है कि हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, टाइम भी वेस्ट होता है। तो तैयारी में फंडा यही है कि आप एक चीज़ को साध लो और उसके पीछे चलते चलो। जब आप रियल में खुद से तैयारी करेंगे और जितना स्वाध्याय करेंगे, आपको सेल्फ डाउट, सेल्फ सारी चीज़ें खुद क्रिएट होंगी और वो फिर आप समाधान खुद ढूंढ लोगे, या आपके एक गाइडेंस हैं जहाँ ले कोचिंग कर रहे हो और जहाँ भी, वहाँ से मिल जाएंगे। आप किसी दूसरे की स्टोरी को कितना भी सुनते रहोगे, तब तक आप उससे कुछ नहीं कर पाओगे जब तक आपके अंदर कुछ चीज़ ऐसी प्रॉब्लम आई ना हो। मैं उसको समझ नहीं पाऊँगा कभी, तो इन चीज़ों में थोड़ा सा लिमिटेड रही। दूसरी चीज़ सिलेबस वगैरह है, तो सिलेबस MP UPSC या जो भी कर रहे हैं उसको आप बहुत अच्छे से रीड करिए। मैं पढ़ने के जो भी तरीके हैं, हमेशा सिलेबस तो हमें रीड करना चाहिए, हम नहीं पढ़ते हैं सिलेबस, नोटिफिकेशन आया देख एक के निपट जाते हैं। सिलेबस पढ़ने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमको मिलता है। सिलेबस पढ़ने से क्या होता है, आप एक बार सिलेबस पढ़ लो और फिर आप दिन में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो जो भी टॉपिक आपका आया वो दिमाग में पिंच करता है कि यार ये चीज़ आई थी, ये था सिलेबस में। कोई आप न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे तो उसको कनेक्ट कर पाओगे और वो चीज़ दिमाग में थोड़ा सा बनी रहती है। एक तक पढ़ने का तरीका होता है कि हम थॉरली पढ़ते हैं। एक मैं बुक लाया मार्केट से और उसको एक बार थॉरली पढ़ता गया, एक पेज से लास्ट तक। ये आप शुरुआत में तो कर सकते हैं, लेकिन आप बार बार वो करते रहेंगे तो एक घिसी पिटी तरीका है, उससे कुछ नहीं। उससे बेटर है कि आपने एक बार बुक को पढ़ लिया, इसके बाद आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठाओ। सिलेबस और प्रीवियस ईयर ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो होते हैं, ये आपके लिए रामबाण है। अगर कोई बोलता है ना मुझे गाइडेंस चाहिए, कहाँ से मिलेगा, आप कहीं मत जाओ, आप सिलेबस उठा लो और पुराने पेपर, वही आपको दिशा बता देंगे कि आपको कहाँ जाना है। क्या पिछले 2-3 साल से जो पेपर आ रहा है वो नहीं बता रहा कि आपको तैयारी किस दिशा में करनी चाहिए, अगर आप खुद समझ पा रहे हैं तो। तो इन चीज़ों का इम्पोर्टेंस इसलिए होता है क्योंकि हम इनको ध्यान नहीं देते हैं। जनरली सब चीज़ हमें मतलब बनी बनाई मिलती रहती है, तो हम पढ़ते रहते हैं या करते रहते हैं, इसलिए वो चीज़ हम पकड़ नहीं पाते कभी। इसलिए सिलेबस को हमको पढ़ना चाहिए, इसके बाद में ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप पढ़ लो, इसके बाद में आप कोई बुक पढ़ो। एक बात पढ़ चुके हो अच्छी बात है, फिर क्या होगा ना, जो क्वेश्चंस हैं, जो सारी चीज़ें हैं, आप उसको जो टॉपिक पढ़ोगे तो वो क्वेश्चन आपको पिंच करेगा, आपके दिमाग में खड़ा करेगा कि ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, इनडायरेक्ट आया था, डायरेक्ट आया था, उसका आंसर मैं इस बुक से कैसे निकाल पाऊँगा या कैसे लिख पाऊँगा, मेंस में भी आप देख लो। दूसरा, फिर आप एक तरफ से बुक को मत पढ़ो, क्वेश्चंस उठा लो, सिलेबस उठा लो और उस हिस्से को ही उठा के पढ़ो बुक के, उस टॉपिक्स को तैयार कर लो। इससे क्या है ना, तैयारी बहुत मतलब कॉन्क्रीट होगी। उसके लिए आपको बार 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 वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। एक बार आपने बहुत अच्छे से उसको पका लिया अपने दिमाग में तो स्थायी हो जाता है। और जो कोर सब्जेक्ट्स हैं या बहुत सारी चीज़ें, उनको ऐसे ही करना है, कितना भी करंट आ जाए, कुछ आ जाए, आप तब तक उसको नहीं लिख पाओगे जब तक आपका बेसिक्स बढ़िया अच्छा ना हो तैयार, या उससे संबंधित आधारभूत चीज़ें पता हैं। आज इंडिया चाइना के बीच क्या रिलेशन चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको उसका पूरा हिस्ट्री पता है, हमारे कैसे रिलेशंस रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, तो आज का डेवलपमेंट भी आपको थोड़ा सा भी पता है तो लिख दोगे। और आज आपने करंट में बहुत सारी चीज़ें आर्टिकल्स पढ़ रखे हैं, लेकिन उसका हमारा प्रीवियस डेवलपमेंट नहीं पता है, तो हम उतने बढ़िया ढंग से सटीक तरीके से नहीं लिख पाएंगे और यही हमारी आंसर राइटिंग को गड़बड़ कर देती है। दूसरी चीज़ की अप्री मेंस और ये जो फोकस है, तो कब क्या कैसे करना चाहिए, तो प्रीलिम्स के लिए आप UPSC की बात करें, आप सब लोग स्टेट की कर रहे हैं कि UPSC की, UPSC की ना, तो एक साल तैयारी आपने कर ली, पूरी तैयारी मेंस की ही करनी चाहिए। आप मेंस का ही पढ़ो हमेशा, सारे सब्जेक्ट्स मेंस के पढ़ो, करंट हम पढ़ते ही हैं कंटिन्यू। और जैसे ही अपना 4 महीने बचता है, 4 मंथ, फिर आपको प्री में फोकस हो जाओ, ऑप्शनल भी कम पढ़ना शुरू कर दो, कम कर दो, इसके बाद में प्री में फोकस हो जाओ और पूरा ध्यान पूरा उसमें प्री में लगाना चाहिए। और प्री में जैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है उसके हिसाब से थोड़ा पुरानी चीज़ें भी खंगालने की ज़रूरत है। आजकल आप देखो कोई क्वेश्चन आज से 2 साल पहले की घटना से रिलेटेड है, 3 साल वो करंट का नहीं रहा,
या उसका खासकर आप देखना जो क्वेश्चंस आते हैं वो उस डेवलपमेंट से आते हैं जो लॉन्ग टाइम से चल रहा है, कोई मुद्दा 3-4 साल से चल रहा है, वो आज भी न्यूज़ में है, तो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। तो 1 साल का बस करंट हम पढ़ लेते हैं, कई बार फिर उससे नहीं हो पाता, तो इसलिए उसको थोड़ा पीछे से पढ़ते जाना है ताकि जो जिस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हम कर पाएँ। और क्वेश्चंस में क्या है, एक नया तरीका है, उसी में एक ऑप्शन जो होगा ट्रेडिशनल होगा और एक करंट से रिलेटेड होगा। एक तो बेसिक्स होता है, 1-2-3 करके दे देता है, एक आपका बेसिक्स भी पूछ देगा, एक करंट से रिलेटेड भी पूछ देगा उसी में, तो दोनों चीज़ को होना ज़रूरी है। और यू मतलब प्रीलिम्स की तैयारी में जो आपने एक बार मटेरियल सेलेक्ट कर लिया कहीं का भी हो, हालांकि ऑथेंटिक ही लेना चाहिए मटेरियल्स, बुक हैं जो सारी चीज़ें, फिर उससे इधर उधर मत होइए प्रीलिम्स में, क्योंकि इतना ज़्यादा अपने आप में प्रीलिम्स का सिलेबस है कि अगर आप थोड़ा भी इधर उधर हुए तो फिर आप कर नहीं पाते। और सारा गेम जो है वो रिवीजन का है, आपको बार बार कितनी बार रिवाइज्ड कर पाते हो। तो एक बार जो भी बुक्स हैं, जो भी आपका मटेरियल है, उस दौरान आप उतने में ही सीमित रहिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, इतना अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि हाँ अब अपना इतना कर लेंगे अपन। और टेस्ट सीरीज लगाने से क्या है कि अपना एनालिसिस और कैसे कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं, कितने में सिलेक्शन हो रहा है, वो सबका भी अपने को ध्यान में रखना है। पेपर कैसा आया है उसके हिसाब से आपको कितने क्वेश्चन कर पाने हैं, कितने छोड़ देने हैं। और इसके बाद में फिर आती है बात मेंस की, तो मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ऑप्शनल। आज की डेट में यूपीएससी में मेन चीज़ क्या है, ऑप्शनल। ऑप्शनल अगर आपको मजबूत नहीं है तो सिलेक्शन ले पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑप्शनल में ही सबसे ज़्यादा नंबर बूस्ट कर रहे हैं निबंध में। तो ऑप्शनल आप चूज करने कर लीजिए, या जो भी किए हैं उसको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। जीएस में तो आजकल जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत ही मतलब डेवलपमेंट या न्यूज़ हैं, उनको जल्दी जल्दी ही ग्रैप करना है, लेकिन ऑप्शनल को आप गहराई से ही पढ़ना पड़ेगा। और पूछिए, आप लोग सवाल पूछिए, मुझे पता नहीं क्या है आप दिक्कत। हाँ देखो, ये सवाल आना लाजमी है ना, अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो देखो उसके लिए है ना कि ये देखो, मैं कोई फिलोसफिकल बात करूं कि तुम परिणाम के बारे में मत सोचो, है ना, ये सब चीज़ें मतलब जेन्यून में संभव नहीं है। अगर मैं तैयारी कर रहा हूं तो यार सोचूंगा तो सिलेक्शन के बारे में, है ना सीधी सी बात है ना, अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो उसके बारे में सोचना तो पड़ेगा ही। ये तो मतलब सोचना, अगर मैं ये इस चीज़ का प्रयास करूं कि मेरे दिमाग से ये ख्याल निकल जाए कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या सारी चीज़ें, लेकिन हाँ इसको आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो। आपका किस चीज़ पे कंट्रोल है ये देख सकते हो। आपका कंट्रोल उन सारी चीज़ों पे नहीं है कि वैकेंसी कब आएगी, है ना, या एग्ज़ाम कब होगा, और इन सब में हम बहुत परेशान होते रहते हैं कई बार, होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए आप जब पढ़ाई में खुद को इतना घुसा लो, इतना अंदर डाल लो कि तुमको पढ़ने में खुद इतना मज़ा आने लगेगा, और अपना टारगेट ईयर वाइज फिक्स कर लो कि मतलब हाँ मुझे इस टाइम या इसमें करना ही है, तो फिर आप उस ड्यूरेशन में आप नहीं सोचोगे उस बारे में। अगर मैंने सोच लिया कि यार मेरे को जून में यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, तो फिर मैं जो पिछले दिसंबर से तैयारी कर रहा था, फिर मैं जून तक तो नहीं सोचना चाहिए मुझे कि होगा कि नहीं होगा, वो सोचने का काम शुरू करूँगा मैं जून के एग्ज़ाम के देने के बाद। और आप अगर पहले ही दिसंबर से ही सोचना शुरू कर दिए तो फिर वो क्या है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कहीं लगेगा कि हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो उस दौरान सोचने से कोई मतलब नहीं है। यही है बहुत वो है कि अपने को पढ़ाई में बिजी रखो,
और रिजल्ट के बारे में इतना मत सोचो। एग्ज़ाम के बारे में, अगर एग्ज़ाम की प्रोसेस फॉलो कर गए आप, तो मैं आपको खुद अंदर से ये लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ मैं पकड़ पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ। हम परेशान सबसे ज़्यादा तब होते हैं ना कि जब हम पढ़ भी रहे होते हैं, भरोसा भी नहीं होता पढ़े पे। पढ़ा तो मैंने इतनी सारी बुक है, लेकिन भरोसा ही नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि यार इससे आएगा भी कि नहीं आएगा, यही लगता रहता है हमेशा, होगा कि भी नहीं होगा, वो इसीलिए लगता रहता है। और इसलिए यही बोल रहा हूँ कि जो आप मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी बुक पढ़ रहे हैं, उसी पे भरोसा रखो, फिर भूल जाओ। फिर आप इधर उधर स्विच करोगे तो जितनी बुक पढ़ोगे उतना ज़्यादा डाइवर्सन होगा। आप देख लो जितने भी UPSC देने वाले हैं या PSC देने वाले हैं, जो बहुत शार्प में निकल जाते हैं ना, उनका एक ही फंडा है, उनको दुनिया से कोई पता नहीं है क्या तैयारी है, क्या क्या फिलॉसफी है इसकी, क्या UPSC चाहता है, क्या PSC चाहता है, उनको इससे कुछ पता नहीं रहता है। उनको इतना पता है यार मैं इस एग्ज़ाम को देने को आया हूँ और मेरे को एग्ज़ाम निकालना है। वो जो चीज़ है उनको पता नहीं है, उस चीज़ को अप्रोच करते हैं, मुझे नहीं पता कि एग्ज़ाम कैसे निकालूंगा, मैं रवि भाई को अप्रोच किया, अब मेरे को तुम ये बताओ कि एग्ज़ाम कैसे निकलेगा। रवि भाई ने बोला ये किताब है, ये उठाओ, ये क्वेश्चन पेपर है, इनको ऐसे ऐसे चाट जाओ। वो इंसान वही करता है, वो उस टाइम कुछ नहीं सोचता। मैं बता रहा हूँ कि हमारे बैच, मतलब एक जूनियर्स में हैं दोस्त मेरे, वो फॉरेन में जॉब करते थे दुबई में। उसके बाद में उनका मतलब वो हुआ कि यार अब घर चलना है, अब नहीं, तो उन्होंने स्टेट में एग्ज़ाम देना शुरू किया। उनने कहीं, उनके छोटा भाई अलग सेलेक्ट हो गया था, तो छोटा भाई से उनको गाइडेंस मिलता था, तो उन्होंने क्या किया कि आए, उन्होंने कहीं इधर उधर बहुत कोचिंग में हाथ पैर नहीं फैलाए, कुछ नहीं किए। उनको एक बंदे ने बताया कि इस कोचिंग्स के नोट्स हैं जो आप ले लो, पूरे कंप्लीट हैं, तो उनको उस नोट्स वहाँ से उन्हें ख़रीदे एक बार में, और जो उनको पढ़ना शुरू किया एग्ज़ाम के पहले, और धड़ से सिलेक्शन लेके निकल गए। तो हम क्या है ना, बहुत ज़्यादा इसमें जब बुद्ध बनने की कोशिश करने लगते हैं, इसका भी नॉलेज, उसका भी नॉलेज, इसका भी एक्सपीरियंस, उसका भी एक्सपीरियंस, तब डाइवर्ट आपका दिमाग होना ही होना है। और एग्ज़ाम को कभी एग्ज़ाम से ज़्यादा ऊपर मत लो। जब आपके ऊपर इतना एग्ज़ाम हावी होने लग जाएगा ना, तो फिर आप अपने अंदर का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खोते चले जाओगे। गाइडेंस का भी इसलिए इम्पोर्टेंट कहूँगा, गाइडेंस का जो भी सोर्स है आपका, उसको आप लिमिटेड रखो। आपको इतने सारे लोग मिलेंगे ना कि देखो, हर व्यक्ति की अपना अलग कहानी है, ठीक है ना। आपको मेरी कहानी में कभी फिट नहीं हो पाओगे, इस चीज़ को मान लो। मैं इनकी कहानी में फिट नहीं हो पाऊँगा, कोई किसी की कहानी में फिट नहीं हो पाएगा। तो मैं कुछ काम करके निकला, ये कुछ काम करके निकले, आप कुछ काम करके निकलोगे, अपनी चीज़ें बातें बताओगे, ठीक है ना। तो मैं अगर उस चीज़ को फॉलो करना शुरू करूँगा तो नहीं कर पाऊँगा। और वही हमारे साथ होता है, हमको लगता है कि यार ये इंसान सेलेक्ट हुआ है तो ये बता दे करना क्या है, कैसे करना है, मैं एकदम वैसे ही करता जाऊँ और मेरा सिलेक्शन हो जाए, जो कि संभव नहीं है। तो हमको हर किसी की कहानी में अपने आप को घुसाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उनका टाइम था, उनका अपना था, वो सक्सेस हो गए। आपका उसमें क्या दिक्कत हो रही है, या उस कहानी से या उस व्यक्ति से आपको क्या सही लग रहा है, उसके गाइडेंस से क्या सही लग रहा है, आप इम्प्रूव कर पा रहे हो, तो कुछ चीज़ उससे ले सकते हो। मैं नहीं कहता कि हर चीज़ फॉलो करो, वही गलत कर देते हैं हम। अगर मुझे लग रहा है, अगर इस सोर्स से कुछ मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है या कुछ अच्छा मिल रहा है, तो उस चीज़ को आप फॉलो करो, उतना देखो, और उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। लेकिन हर चीज़ को हर उसमें हम जाने लगते हैं तो फिर हमारा डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए अपने गाइडेंस के सोर्स को, एक चीज़ और है कि आप पढ़ने आते हैं या कहीं भी जाते हैं, या तो उसके जाने के पहले अच्छे से आप सर्च कर लो और जितनी क्वेरी करनी है कर लो। एक बार क्लास में एडमिशन ले लिया तो फिर आपको उस बंदे पे फेथ करना चाहिए। अगर आपका भरोसा नहीं है तो फिर आप पढ़ भी नहीं पाओगे और समय भी निकाल दोगे। क्योंकि ऐसा हम भी कोचिंग में होता था या और भी जगह, जो टीचर का ऊपर भरोसा नहीं है वो कुछ भी पढ़ा के चला जाए, कोई मतलब नहीं है, अपन तो बैठे हैं सीट में, निकल गया घंटा। तो आप जाने से पहले, शुरू करने से पहले 10 बार सोच लो, जो करना है कर लो। लेकिन अगर आपने सोच लिया, कर लिया, तो फिर उसके उस पर डाउट मत करो, जब तक कि आपका कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं होता है। फिर आपको उस टीचर पे, उस सोर्स पे आपको रिलायबिलिटी करनी पड़ेगी, तभी आपको उसका फ़ायदा मिल पाएगा और ले पाओगे।
मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि ये वाला मिथ जो ना हमारे दिमाग से कभी निकलता कि इस सोर्स से इस सोर्स से इस सोर्स से मतलब हम मल्टीपल सोर्स पे भागते रहते हैं, जबकि रियलिटी ऐसी कुछ नहीं है यार। मतलब सिलेक्ट होने वाले बंदे हर पृष्ठभूमि से हैं। अब आप एक चीज़ फॉलो कैसे कर सकते हो बताओ? एक तैयारी का एक पैटर्न है ही नहीं ना। वो तैयारी का हर बंदे का पैटर्न इसलिए चेंज हो जाता है, हर व्यक्ति की पृष्ठभूमि अलग है। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ और होगा तो मेरी तैयारी की पृष्ठभूमि अलग हो गई, मेरे तैयारी के तरीका अलग हो गया। अब मैं सक्सेस हूँ तो मैं आपको अलग ही चीज़ बताऊँगा, लेकिन आपकी पृष्ठभूमि अलग होगी और जो दूसरे लोग सिलेक्ट हुए उनकी पृष्ठभूमि अलग है, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग है, तो उसमें हम सब फिट नहीं हो पाएंगे। ये समझने की बहुत ज़रूरत है। हम हमेशा फिट करने की कोशिश करते रहते हैं। UPSC या PSC को इससे मतलब नहीं है आप क्या हैं, मतलब है ना। UPSC या PSC तो उसको सिलेक्ट कर लेता है जो उसको फॉलो करता है, कैसे करता है उससे उसको मतलब नहीं है। आपने जो क्वेश्चंस आए हैं उसका आंसर दिया है आप, उससे मतलब है उसको। अब उस आंसर्स के लिए सोर्स सबके लिए अलग अलग हैं, तो हमको एग्ज़ाम का पैटर्न पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम तैयारी ऐसे करें वैसे करें और इस व्यक्ति से मिलें, इसने इतने बार इंटरव्यू दिया है या ये है। ठीक है, अपना हर किसी का अपना एक वो है, अनुभव है ना, उससे कुछ मिल जाता है, लेकिन इनसे कई बार बहुत डाइवर्जन होता है, मैंने देखा है लोगों को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लिटरली यहाँ कोई वो बात नहीं है कि प्रमोशन वाली है कोई ऐसी बात है, लेकिन मैंने इस चीज़ से बहुत लोगों को परेशान होते देखा है, अपना टाइम ख़राब करते देखा है। शायद वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, अपने उस अपने पे भरोसा करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते तो हो जाता उनका सिलेक्शन, जो कई लोग रुक गए। तो ये सबसे बड़ी हमारे दिमाग में ऐसा परसेप्शंस बन गया है और मार्केट ऐसा बना भी रहा है। मैं कोई कोचिंग का नाम नहीं ले रहा हूँ, ऐसे मैं कई कोचिंग्स इंदौर में जानता हूँ कि जहाँ बंदा पढ़ा ही नहीं, इंटरव्यू के टाइम उसको मॉक देने के लिए बुलाया जाता है और बस उसके बाद सिलेक्शन के बाद वो उसी का है। लेकिन जो आज बंदा आ रहा है उसको कुछ नहीं पता ना, उसको तो वही दिख रहा है। तो मार्केट अपने को भ्रम करता रहता है हमेशा। लेकिन आप एग्ज़ाम के जब क्वेश्चंस और सिलेबस उठा के देखोगे और मतलब खुद पे भरोसा कर लोगे, पढ़ना शुरू कर दोगे, तो धीरे धीरे ये चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। जिस दिन से आप कॉन्फिडेंस यानी खुद पे भरोसा करके ही पढ़ना और पेशेंसली कंटिन्यूसली, तो फिर ये जो हमारे अंदर का ये है ना, होगा कि नहीं होगा या और सारी समस्याएं हैं, ये धीरे धीरे अपने आप दूर होती जाती हैं, ऐसा फिर नहीं लगता। ये तभी तक लगता रहता है कि जब तक हम अपने पे खुद पे भरोसा नहीं कर पाते, जो पढ़ रहे हैं उस पे भरोसा नहीं कर पाते। तो इसलिए ये ज़रूरी है, मैं नहीं कहता, आप असेसमेंट करिए अपने प्रति जितना आप अच्छा असेसमेंट कर सकते हैं, इन द सेंस कि अपने प्रति जितना क्रूर हो सकते हैं। मैंने कहता आप कॉन्फिडेंस में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाइए, अपने को थोड़ा सा एग्ज़ाम से कम ही आँक के चलो, कोई इशू नहीं है उसमें, उससे आपको उसका अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन वो जो पढ़ रहे हो, वो जो सारी चीज़ें हैं, अगर आप उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा, खुद में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप ये मान लो कि आप तैयारी की सही दिशा में नहीं हो। आपका सिलेक्शन हो या नहीं हो ये तो अलग मैटर है, लेकिन अगर आप सही पढ़ रहे हो कर रहे हो तो आपको अंदर कॉन्फिडेंस ज़रूर रहेगा, और फिर आपको डिलीवर करने में चीज़ें में कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना ज़रूरी है। आपको जो भी मोटिवेशन जहाँ से भी मिलता है, जो सारी चीज़ें हैं, उनको आप लिमिटेड रखो तैयारी के दौरान। तैयारी को हम इतना हुआ बना दिए है ना, इतना ज़्यादा इसका बवंडर बन गया है कि आदमी इधर इधर ही घूमता रहता है एग्ज़ाम को देखने की बजाय। और कोई देखो देखो यार, मैं एक चीज़ बताऊँ, सुनो। देखिए क्या है, उदयवान जी को चूंकि हम लोग काफ़ी नज़दीक से रहे, हम तो साथ ही रहते हैं एक ही रूम में, नज़दीक से देखा है चीज़ों को, मैं सच बता रहा हूँ, ये सब हुआ है, ये बिल्कुल जो बात बता रहे हैं उस दौरान। लेकिन एक चीज़ है, मैंने जो इनको देखा या फिर साथ में हम करते थे,
2016 में मुझे लगता है कि 15 से रिजल्ट, 15 से पहले निकले एमपी के कितने रिजल्ट निकले थे आपके जो छूटे? वो रुके हुए थे एग्जाम्स, एग्जाम कुछ रुके हुए थे, व्यापम वाला कुछ मुद्दा जो भी रहा हो उस कारण से एग्जाम रुके हुए थे, इनके रिजल्ट निकल रहे थे। अब देखिए, एक व्यक्ति के जब रिजल्ट निकलने शुरू हो जाते हैं और निकलने के बाद उसका प्रोसेस रुक जाता है, एग्जाम आयोगों का रुका पड़ा है, आप यूपी पीसीएस का देख लीजिए, बिहार का देख लीजिए, हर जगह रुका पड़ा है, तो उस कंडीशन में पर्सन तब भी लगा रहे, ये चीज़ मैंने इनके अंदर देखी है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ, जहाँ तक मुझे इनकी सफलता के बारे में थी, मुझसे कोई दो शब्दों में पूछे, ये पर्सन कंटिन्यू रहे, कंटिन्यू रहे, और जैसे ही देखते थे कि भाई ये चीज़ रुकी, तो रुकने के बाद इसने, इन्होंने क्या किया, उसको और गति बढ़ा दी, स्पीड और बढ़ा दी, और चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दिया। टाइम वेस्टिंग मिनिमम, बहुत कम समय मुझे लगा होगा कि इन्होंने बर्बाद किया होगा। हम लोग डिस्कशन भी करते थे, ऐसा नहीं था कि डिस्कशन नहीं करते थे, ठीक है, लेकिन डिस्कशन कहाँ करना और कितना करना है, हम लोग फजूल की चीज़ों में लग जाते हैं, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ओवरऑल जैसे इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा ना कि आपके टाइम पे क्या आया, चूंकि ये बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, मैंने नज़दीक से देखा है तो मैं बता रहा हूँ कि ये वो पर्सन है जो लगातार कंटिन्यूस लगे रहना, और कोई ऐसा नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल हम चीज़ों को बनाकर चलते हैं, बस एक चीज पता है कि हमें ये कंटेंट पे बिलीव हो गया है और इस कंटेंट पे हम काम करेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी, और उसी पे काम किया गया, बस काम हो गया। दरअसल पढ़ना इतना है, लेकिन हमें दिखाया इतना जा रहा है, हम इतने के चक्कर में बस सब बटोरना चाह रहे हैं, यदि हम इतने पे ही फोकस कर लें तो रिजल्ट पक्का है, बस इतनी सी बात होती है। लेकिन अब क्या बताएं, उस हवा को, उस मेंटालिटी को शायद ये निकाल पाए तो मेरा सफल हो जाएगा आज का सेशन, ठीक है। तो अब एक दो चार चीज़ें और आप इन लोगों को जैसे समझा सकते हैं। हाँ सही है, नहीं उन्होंने सही क्वेश्चन पूछा। देखो उस टाइम तो सबको लगता है, क्योंकि अपन को चाहिए क्या, सिलेक्शन, और सिलेक्शन के ही मकसद से आना चाहिए ज़्यादातर आपका जो भी। देखो एक दूसरी चीज़ें ये भी हैं कि देश सेवा और ये सारी चीज़ें आपके अंदर, ये प्राइड है, अच्छी बात है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम ना आपका फोकस सिलेक्शन पे होना चाहिए, है ना। मोटिव आपका हर किसी का अलग अलग है, जितना अच्छा मोटिव है वो और अच्छी बात है, जितना आप अच्छी चीज़ से प्रेरित होकर आ रहे हैं इस फील्ड में वो अच्छी बात है, लेकिन मोटिव वहाँ पे आपको फोकस सिलेक्शन पे होना चाहिए। तो जैसे उन्होंने पूछा तो उसका हाँ ये सही रीज़न है, उस टाइम क्या था कि ग्रेजुएशन तक हम भी ऐसे पढ़ते रहे, फाइनल ईयर के बाद सोचा कि नहीं यार सिविल सर्विस की तैयारी करना है, तो स्टेट की तैयारी करने हम चले गए, मध्य प्रदेश अपने इंदौर में हब है, तो वहाँ पे कुछ दिन तैयारी की तो एक लगा कि यार यहाँ में मतलब पढ़ाई में सही मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर बात बात की घर में बोले कि चलो ठीक है दिल्ली यूपीएससी तैयारी कर सकते हैं, चले गए। उस टाइम मैं वहाँ के एक आध मीन्स लिख चुका था, लेकिन किन्हीं वजहों से वहाँ पे क्या है कि रोक लग गई थी, वो मतलब रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। तो उस टाइम हाँ ये भी है, बहुत सारे लोग आपको बार बार पिंच करते रहते हैं फ़ोन करके, क्या हुआ, एक बार देखो आपका मेंस में सिलेक्शन हो गया गलती से, वहाँ पे नाम भी आता था, मेंस की पूरी लिस्ट आती है जिसका इंटरव्यू कॉल होता है, पेपर में पब्लिश हो जाता है, वो एक गवर्नमेंट पेपर है। अब आदमी आपको परेशान करने शुरू कर देगा, आपका इंटरव्यू क्यों नहीं हुआ, ये क्या हुआ, दुनिया भर के लोग, उससे भी आदमी जब नहीं होता है तो और ज़्यादा डाइवर्ट होता है, हो गया तो बताने में अच्छा लगता है, पर नहीं हुआ या रुका हुआ है तो आज सामने वाले को कैसे समझाओ, तो इन सब चीज़ों से भी डाइवर्जन होता है। दूसरी चीज़ ये है कि फैमिली का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, वो भी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ऐसे टाइम में ऐसे उसमें फैमिली का रोल इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कई बार कि अगर उनका सपोर्ट है, उनकी आप पर भरोसा है, तो आप कम से कम एक प्रॉब्लम से नहीं जूझ रहे हो। यहाँ पर अगर आप सब लोग बैठे हो तो कम से कम फैमिली से इतना सपोर्ट है कि आपको उसके बारे में नहीं सोचना पड़ रहा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में एटलीस्ट अभी नहीं सोचना पड़ रहा। लेकिन कई स्टूडेंट्स उस टाइम में ऐसी भी स्थिति आ जाती है जब दो तीन साल हो जाते हैं, चार साल आपको घर से पैसे लेते, ये सारी चीज़ें करते और कोई भविष्य नज़र भी नहीं आता निकट में ऐसा, तो फिर आदमी को ये भी अंदर से लगता है कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। उस टाइम पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, मुझे अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पे फैमिली का भी रोल होता है कई बार, वो उनको लगता है कि नहीं आप सही जा रहे हो, आप पे भरोसा है, तो वो थोड़ा सपोर्ट करते हैं कि नहीं अभी आप तैयारी करो, रुको, है ना। कई बच्चे इसी दौरान लौट भी गए, उनको लगा यार अब कुछ नहीं होगा, तो अब आदमी बोरी अब बिस्तर बांध के निकल जाता है, तो वहाँ पे इस चीज़ का भी रोल है। दूसरी चीज़ ये है कि कंटिन्यू, जो भी आपका लेजर टाइम मिला है ना, मैं बता रहा हूँ कि मेरी सबसे ज़्यादा पढ़ाई उसी टाइम में होती थी जब कोई एग्ज़ाम का वो नहीं होता था, निकट फियर नहीं होता था, लेजर टाइम जिसको समझ लो, जिस साल आप जो जिस टाइम को आप वेस्टेज समझ रहे हो, जिस टाइम में आप इधर उधर की चीज़ें पढ़ रहे हो,
वही टाइम में जो चीज़ पढ़ी है ना वो आपके दिमाग में कॉन्क्रीट बन गई, और एग्ज़ाम के टाइम में तो पढ़ते रहे सिर्फ एग्ज़ाम के प्रोसेस के हिसाब से, याद करने के हिसाब से वैसे ही पढ़ते हैं, समझने की कोशिश ही नहीं कर पाते एग्ज़ाम के टाइम में। अगर एग्ज़ाम नियर है तो कभी समझ के पढ़ने की कोशिश हम नहीं करते किताब को, लेकिन अगर लेजर टाइम में पढ़ रहे हो तो हो सकता है आप उसी बुक को थोड़ा अलग अंदाज से पढ़ना शुरू कर दो और वही चीज़ आपके लिए वो हो। तो कंसिस्टेंसी और पेशेंस तो इसमें कोई इसका वो नहीं है देखो विकल्प, और हार्डवर्क, बिना कोई भी कितने भी प्लेटफॉर्म आ जाएं, कितने भी क्लासेस आ जाएं, कितने भी मटेरियल्स आ जाएं, लेकिन आपके हार्डवर्क का उसका रिप्लेसमेंट कोई भी नहीं कर पाएगा, आपको अल्टीमेट करना वही पड़ेगा। बस हार्डवर्क में ये है कि समय के साथ जो चीज़ें चल रही हैं उनके साथ आपको बने रहना है, अदरवाइज आप पिछड़ जाओगे। कई लोग बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेडिशनल ही रहते हैं या बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, तो उस सिनेरियो को ध्यान में रखना है, लेकिन आप मेहनत का कोई विकल्प नहीं निकाल सकते हो, कितना भी कोई भी ऑप्शंस नहीं हो सकता है उसका। तो उस चीज़ पे ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई क्लास या कोई वो या कोई सोर्स उसका ऑप्शंस नहीं समझ लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट जाके प्रोड्यूस आपको करना है एग्ज़ाम में, कोई आप कितना अच्छा वीडियो दे दे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, प्रोड्यूस तो वहाँ आपको करना है, और प्रोड्यूस तभी होगा जब आपके दिमाग में वो चीज़ पक गई होगी, सही ढंग से आप कर पाए होगे। तो अपने हार्ड वर्क पे बहुत ज़रूरी है, और कंसिस्टेंसी मतलब आप लगातार पढ़ो, पढ़ने के तरीके देखो सबके अलग अलग होते हैं, उस पर भी बहुत ज़्यादा हमारा डाउट रहता है, और हम जब मतलब 3-4 लोग साथ में भी रहे हैं तो सबका अलग अलग है, सब लोग सिलेक्ट हो गए। मैं कई लोग देखा हूँ कि मेरे साथी हैं कि कई लोगों का है कि सुबह से उठे और उनका मतलब एक दिन में पता चले एक ही सब्जेक्ट चल रहा है पूरा, और मेरे साथ ऐसा था कि मैं एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहा था कभी, मतलब पूरे दिन हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो बड़ा अजीब लगता था। तो अपने तरीके को समझना, अपने आप को समझना, इस तैयारी का सिविल सर्विस को इसलिए लोग क्यों बोलते हैं इतना जरे, ये ना आपको समझना, खुद को समझना बता देती, आप थोड़ा ध्यान देना शुरू करोगे तो हम अपनी लाइफ पे कभी इतना गौर नहीं करते, कभी स्कूल कॉलेज में हम सोचते थे अपने बारे में नहीं सोचते, लेकिन जब आप यहाँ तैयारी करना शुरू करते हो ना तो आप अपनी आदतों, अपने चीज़ों, अपने क्वालिटी, अपने हर चीज़ के बारे में समझना शुरू कर देते हो। तो इसलिए इसका मतलब तैयारी का बहुत बड़ा एडवांटेज भी है कि इस फील्ड में बंदे ने जिसने सही ढंग से तैयारी की है, सिलेक्शन हो या ना हो, वो जिस भी फील्ड में कदम रख देता है वहाँ वो एक प्रोफेशनल्स होता है और बढ़िया तरीके से काम करता है कहीं भी हो। उसका रीज़न ये है कि उसने अपनी पर्सनालिटी को समझा है तैयारी के दौरान, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को, अपने इतना लॉन्ग प्रोसेस तैयारी होती है कि जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे, अपने आप को समझने का मतलब कि अपने पैटर्न को जानो, हमें हमारी चीज़ें हमें ही समझ में आती हैं अगर आप सोचोगे तो मेरे पढ़ने का तरीका क्या है ना, एक आउटलाइन हो सकती है जो आपको मिल जाएगी कि हाँ भाई, जैसे एक मिनिमम चीज़ होती है, कोई कितना भी स्मार्ट हो, कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन एक मिनिमम चीज़ है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको इस बुक से गुजरना पड़ेगा। ये मैटर करता है कि कोई उसको कितनी जल्दी समझ पाता है, कितनी देर, ये अलग मैटर है, लेकिन ये मिनिमम चीज़ हो गई कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स तो हैं इस चीज़ की कि आपको इतने मिनिमम घंटे तो देने पड़ेंगे। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि 5-6 घंटे आप ना दो और कोई कितना भी धुरंधर हो बोले कि मेरा सिलेक्शन हो गया, तो वो तो मिनिमम चीज़ें हैं कि आपको देनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी एक पर्टिकुलर टाइम में। लेकिन जो पढ़ने का तरीका होना चाहिए, जो आपके समझने का तरीका होना चाहिए, ये खुद भी डेवलप होती हैं चीज़ें, ये तभी डेवलप होती हैं जब आप पढ़ना शुरू करोगे, खुद पे भरोसा करके थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार मेरे को हर, जैसे हमारे सब्जेक्ट्स का भी वेरिएशंस होता है, किसी को कोई सब्जेक्ट ज़्यादा समझ में आता है, कोई कम समझ में आता है, तो उसके ये सब सारे रीजंस हैं ना, तो उन पे ध्यान देना चाहिए कि आप कैसे पढ़ रहे हो। धीरे 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 तो पढ़ने का तरीका आपका अपना यूनिक बन जाएगा और आप उस चीज़ को कर लोगे। बस पढ़ते समय ये ध्यान देखना चाहिए कि मैं कोई चीज़ छोड़ तो नहीं रहा हूँ, कोई ऐसा एरिया तो नहीं है कि मैंने उसको छोड़ दिया, या कोई ऐसा तो नहीं है कि मिस कर रहा हूँ जो मेरे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। बस पढ़ने का तरीका आपका जो है ना, आप उसको बिंदास रखिए। बस मिनिमम टाइम आपका जो है, मैं ये नहीं कहूँगा यार कि 12 घंटे कोई पढ़ता है कि 14 घंटे पढ़ता है,
वो भी अपनी सच्चाई है और उससे भी सिलेक्शन होते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बस। और कोई एनसीईआरटी बुक को पढ़ने के लिए एनसीईआरटी तो देखो यार पढ़नी चाहिए एक बार कम से कम, बेसिक आउटलाइन आपने सारी पढ़ी थी? देखो मैंने जो पढ़ी थी ईमानदारी से बताता हूँ, 9 से 12 तक की एनसीईआरटी ली थी, है ना, उसमें भी, और 6 की ली थी वो पुरानी जो आती है जियोग्राफी की, जियोग्राफी की जो, वो इसलिए मेरे को अच्छी लगती है, एक तो ऐसे बच्चों टाइप में लिखी है वो, मतलब 5वीं 6वीं के बच्चों को समझाने के लिए, पुरानी वाली देखो, और उसमें जो डब्बा बना रहता है उसको तुम कभी ध्यान से पढ़ना, वहाँ से उठा के देखना कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, यही होता भी है, जो नोट्स में हम किनारे हाँसी में लिख देते हैं ना वही क्वेश्चन आता है ज़्यादातर आंसर में, मेन में जो लिखा रहता है ना वो बहुत कम ही आता है, तो वो जो उसमें ब्रैकेट्स में लिखे रहते थे उसमें मैंने देखा उसमें कोई क्वेश्चन छोड़ देता है, कोई कुछ कर देता है, तो उसमें जो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में अपना बहुत पुअर नॉलेज था वो बहुत अच्छा हो गया था उससे, वो बुक्स पढ़ने से, कंटिनेंट वाइज हैं वो बुक, तो वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में कि एशिया में क्या है, अफ्रीका में क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, तो एक बार अच्छे से वो बन जाता है, जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनकी आप उम्मीद नहीं करते हो और एग्ज़ाम में आते हैं, वो तभी कर पाते हो आप जब आप ऐसा पढ़ पाए होते हो। फिर 9 से 12 की एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि जो पुरानी आपकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी में जाना चाहिए, उसको आप मतलब स्किप नहीं कर सकते हो, उसको पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री की एनसीईआरटी हो गई, जियोग्राफी की एनसीईआरटी हो गई, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी 11वीं 12वीं की जो बेसिक्स, उसको आप बिल्कुल पढ़िए, जैसे साइंस टेक है और ये सारी चीज़ें हैं तो इनमें आप ऑप्शंस ले सकते हो, है ना, कई लोग साइंस की भी बहुत सारी पढ़ते रहते हैं हम एनसीईआरटी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इनमें आप देख सकते हो, लेकिन बेसिक्स इतनी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, ज़्यादा बुक्स नहीं हैं यार बहुत, मतलब लिमिटेड, कई लोगों ने सिर्फ लक्ष्मीकांत ही पढ़ी है, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ी, स्पेक्ट्रम ही पढ़ी है बस। मैं बताता हूँ कि जब मैं वहाँ रहता था परमानंद में, एक हमारे बगल में आते थे एक भैया थे, वो इनकम टैक्स में है, मुंबई में है, वो बंदा 2 महीने की छुट्टी लेके आता था, और उसके मतलब इतना जो आप ऑफिस लेके बैग आते हो उससे थोड़ा बड़ा बैग रहा होगा, उसमें उसकी लिमिटेड बुक थी, और 2 महीने का बढ़िया छुट्टी लेके आता था और 2 महीने पढ़ता था, वो कोई इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़ता था, बस विजन के या कहीं के जो नोट्स होते थे करंट्स के वो बस ले लेता था, बाकी वही बुक पढ़ के और जाता था एग्ज़ाम देता था, हर साल मेंस लिख रहा था लगातार। तो और कई हमारी टेबल्स में इसकी भी रखी है, उसकी भी रखी है, इसकी भी रखी है, सब सारी चीज़ें हैं। तो ये है कि एनसीईआरटी पर बेसिक्स फॉलो करो आप, हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी इनकी पढ़नी चाहिए। हिंदी पढ़ते हो कि इंग्लिश? हिंदी में ना, हिंदी में तो देखो आर्टिकल पढ़ सकते हो, अब जैसे नहीं समझ में आ रहा मान लो कोई चीज़, तो फिर उसी टॉपिक को खोल लो ना वहीं, न्यूज़पेपर को जब यूज करो ना तैयारी में तो एज ए स्टडी मटेरियल यूज करो, भले 2-4 चीज़ें पढ़ रहे हो उनको, मतलब फिर आप अच्छे से, अगर कोई अच्छा आर्टिकल लग रहा है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो, और जो करंट के क्वेश्चन आते हैं ना वो वहीं से आते हैं, जो नई नई चीज़ें आती हैं, जो नए नए वर्ड आजकल पूछता है, आपने ये वर्ड सुना होगा या आपने वो वर्ड सुना होगा, वो उस टाइम अगर आप तुम सर्च करके देख लोगे, मेरे नहीं पता है ना, लेकिन वहीं पे आप सर्च करके देख लोगे, जैसे IoT कई बार पेपर में आता था, पिछले साल क्वेश्चन आया था, इसके पहले हमेशा IoT के बारे में कहीं ना कहीं आर्टिकल्स में, और मतलब बहुत सिंपल तरीके से आता रहता, लेकिन हम पढ़ के हो सकता है निकल गए लेकिन नहीं ध्यान दिए, लेकिन IoT तुम्हें समझ में नहीं आया, कोई वर्ड समझ में नहीं आया, उसको गूगल कर लो तो उससे समझ में आएगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर वो चीज़ क्लियर हो गई। तो जो डाउट वाले वर्ड आते हैं ना, जो नई चीज़ आती है उसको ज़रूर, जैसे कोई समिति दी है उसमें, है ना, कोई आर्टिकल में हमेशा हम पढ़ते हैं ना, तो फिर उसमें कोई समिति बनी, उसका समिति का नाम दे दिया, लेकिन समिति का कुछ मेंशन नहीं करेगा उसमें,
उसने एक कोट कर दिया कि इस समिति ने भी इसके इसके बारे में ऐसा ऐसा बोला था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, उसका आर्टिकल लिखने का तरीका है। लेकिन आप उस समिति को तो वहाँ सर्च कर सकते हो ना, और हो सकता है वो आपकी तैयारी के बहुत काम की हो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर चीज़ काम की हो, लेकिन वहाँ पे आपके वो काम आ जाएगी। तो न्यूज़पेपर को ऐसे पढ़ो, न्यूज़पेपर में आपका इंफॉर्मेटिव सेंस सेक्शन है जो करंट के हिसाब से जो हमें इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए, लेकिन जो यूपीएससी की अगर बात करो तो इन्फॉर्मेशन बस से काम नहीं चलेगा, उसमें आप थोड़ा प्रोसेस भी करनी पड़ेगी। तो ये और हिंदी पेपर पढ़ते हो तो अच्छा, एक दैनिक जागरण जो यहाँ ज़्यादातर चलता है अपना, उस पर भरोसा रखो। और दूसरी चीज़ न्यूज़पेपर में आजकल ये भी कि बहुत सारे कोचिंग्स के कटिंग आ रहे हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। मतलब लगभग लगभग सब लोग डाल रहे हैं, कोई माइंड मैप बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना। तो अगर या तो फॉलो करो तो फिर एक को फॉलो कर लो, अदरवाइज आज मैं इन साइट में रहूँगा, फिर कल आईएस बाबा में जाऊँगा, फिर परसों ये, आप कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए कभी विजिट कर सकते हो लेकिन रेगुलरली फॉलो नहीं कर पाओगे। तो कटिंग्स और इन सब चीज़ों के लिए साइट्स को कोई एक फॉलो करना चाहिए, फिर कंटिन्यू जो भी अपडेट रखता हो, जो भी आपको लगता हो उसको फिर कंटिन्यू फॉलो करो, तब वो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, समझ में आएगा। अदरवाइज ऐसे में क्या है कि हम दो चार दिन इसमें देखें, फिर दो चार दिन उसमें देखें, फिर दो चार दिन उसमें देखें, वो सब इधर उधर मिक्स हो जाता है। देखो इंटरव्यू तो मैं सबसे पहले यही बोलूँगा कि जो प्री मेंस की तैयारी कर लेता है ना इंसान, तो आपके अंदर इतना वजूद बन जाता है, कहना चाहिए नॉलेज तो देखो सबके पास है, ऐसा नहीं है, नॉलेज तो आप भी बैठे हो इतना गेन करके आए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये अपने देखो, ये अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दो कि आप लोगों को नॉलेज नहीं है या मुझे नॉलेज नहीं है, वो चीज़ हम सब उतना हासिल कर चुके हैं उस लेवल पे, हमें हर नॉलेज का सोर्स पता है आज की डेट में, यही नॉलेज है अपने आप में। आपको ग्रूम किस दिशा में करना है वो डिपेंड करता है। तो आप जब मेंस क्लियर कर चुके होते हो तो आपका इतना स्टेमिना, इतना अपना अंदर कॉन्फिडेंस भी रहता है एक, और नॉलेज भी रहता है, नॉलेज इन द सेंस कि एग्ज़ाम के संबंध में तो उस टाइम आदमी हर चीज़ थोड़ा बहुत फॉलो कर किया होता है, तो आपको बेसिक्स भी पता होंगे ये सारी चीज़। लेकिन जो आपका इंटरव्यू है, ऑलमोस्ट जो मेरा मतलब चार इंटरव्यू मैंने दिए हैं, और भी मेरे जो साथी हैं उनसे भी मतलब इंटरव्यू के अनुभव हैं, कि इंटरव्यू में जो आपका बायोडाटा है वही है आपका सब कुछ, ये मान के चलो उसी पे आपके इर्द गिर्द ही सारा इंटरव्यू चलना है। खासकर स्टेट में देखें तो इसने ज़्यादा इंटरनेशनल इशू या ऐसे इशू नहीं उठाते हो, सबसे पहले तो आपके मतलब बायोडाटा पे ही जाना है, और बायोडाटा में खासकर दो चार चीज़ें जैसे हॉबी हो गई, अगर उसको घेरना है तो आपकी हॉबी पे घेरेगा बहुत ज़्यादा, है ना, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया, अगर उसमें हम बीएससी करके आए हो, आप बीएससी ऑनर्स हो, मैथ से हो, कोई बंदा बैठा है वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा पीएससी के बारे में, कुछ नहीं पूछेगा, वो पता चले मैथ के पीछे पड़ गया आपकी, ये कई बार समस्या रहती है वहाँ पे। तो मतलब ऐसा कहना कि फिक्स क्राइटेरिया इंटरव्यू का नहीं रहता, लेकिन आप जज कर सकते हो कि इतने 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 पोर्शंस हैं, यहीं से मेरा इंटरव्यू होना है। आपकी हॉबी हो गई, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया, जो डेवलपमेंटल इशू रिसेंट के होते हैं, चल रहे होते हैं देश दुनिया में, उन पे, है ना, और आपकी पृष्ठभूमि और आपका जो क्षेत्र है वहाँ से, आप जहाँ जहाँ पढ़े हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, वहाँ की क्या बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या फेमस चीज़ें हैं, क्यों फेमस हैं, उनके बारे में। क्योंकि जैसे स्टेट में जाओगे तो आपके स्टेट का आदमी होगा वहाँ पे मेंबर, कोई ना कोई प्रोफेसर्स होते हैं ज़्यादातर, या वो आपके हर ज़िले से लगभग लगभग वाकिफ़ होते हैं, सबसे पहले वो आपके ज़िले के बारे में पूछना शुरू करेंगे। फिर उसमें क्या होते हैं, ये बेसिक्स हो गए क्वेश्चन, फिर कुछ क्वेश्चन होते हैं ना ओपिनियन बेस्ड होते हैं, आप सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आजकल लगभग हर इंटरव्यू में, आप ये पोस्ट क्यों ऑप्ट करना चाहते हो, है ना, यही सबसे बड़ा इशू तो यही रहता है, आपको यही क्यों बनना है, SDM ही क्यों बनना है, DSP क्यों बनना है, सिविल सर्विस ही क्यों, मतलब ऐसे ये क्वेश्चन हैं कि इनका जवाब मतलब सीधा सीधा देना थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्यों बनना है, जस्टिफाई कर पाना बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि हर चीज़ में वो क्रॉस करेगा। तो इनके बारे में ना
जेन्यून आंसर सोच के जाओ। बहुत ज़्यादा हाई फाई कर दोगे तो फिर आपको घेर लेगा। आप ज़्यादा बोले कि यार मैं सर समाज सेवा ही करना चाहता हूँ तो फिर आपको वो छोड़ेगा नहीं, बहुत मतलब हर क्वेश्चन में क्रॉस करता जाएगा। लेकिन अपने दिमाग में कुछ ऐसा जेन्यून सा आंसर्स, इन सारे चीज़ों के बारे में सोच के जाना चाहिए इंटरव्यू के टाइम। जो इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, आप यही सर्विस क्यों करना चाहते हो, फिर आपको कुछ सिचुएशंस दी जाएंगी, सिचुएशन इन द सेंस कि आपको चलो हम ये पोस्ट बता रहे हैं और ऐसी ऐसी समस्या है, आप कैसे डील करोगे। और जो आप पोस्ट भरते हो उनके फंक्शंस भी पूछे जाते हैं कई बार, थोड़े थोड़े कि आप SDM के बारे में क्या जानते हो, क्या काम करता है भाई, ऐसा क्या काम करता है, आपको क्या कौन सी पावर है, तो उनके बारे में थोड़ा भी पता होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए, केस स्टडीज से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं सिचुएशन बेस्ड। मतलब हमेशा अब मैं अपने इंटरव्यू मतलब मेरे ऐसे मतलब पता नहीं होता हमारा इंटरव्यू कहाँ चला जाएगा, किस दिशा में चला जाएगा। मैं बैठा था तो गर्मी थी उस टाइम जब इंटरव्यू चल रहा था, तो उन्होंने ऐसे बात करना, शाम को चार बज गए थे, तो उन्होंने बात करते करते पानी पे बात आ गई, बोले यार पानी की बड़ी समस्या है, मैं बुंदेलखंड रीजन से बिलोंग करता हूँ तो वहाँ पानी और थोड़ा स्केयरसिटी है, अब आप कैसे पानी का सेव करोगे या एज ए प्रशासक कैसे करोगे। तो अपन जो अपने बने बनाए क्वेश्चंस हैं वो बताना शुरू करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, बांध बनवाएंगे, लोगों की आदतों में परिवर्तन करेंगे, थोड़ा पानी के प्रति कॉन्शियस हों लोग, फिजूल नहीं करें, ये सब चीज़ें ऐसा पूछे। तो उन्होंने बोला अच्छा ये बताओ यार कि तुम क्या करते हो पानी को बचाने के लिए, छोड़ो अभी क्या करते हो अच्छा ये बताओ कितने बाल्टी पानी में नहाते हो तुम मतलब ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना हम रिस्पेक्ट करते हैं। अब मैं भी सोच रहा हूँ क्या बताऊँ मैं बोला लगभग सर 1.5-2 बाल्टी तो हो ही जाता है। तो बोले कितने लीटर की है, मैं बोला होगी 15-20 लीटर की। तो अरे यार तुम 30 लीटर पानी डेली बर्बाद कर रहे हो, मैं एक बाल्टी में नहा भी लेता हूँ और अपने जो थोड़े बहुत कपड़े वो भी साफ कर लेता हूँ। तो ऐसे फिर मेरे मुँह से ऐसे निकल गया सर मैं डेली नहीं नहाता ना। तो अब उस टाइम थोड़ा सा मेंबर थे तो ऐसे माहौल बन जाता है कई बार, ऐसे जैसे आप लोग हंसे वो लोग भी हंस दिए। फिर उनमें से एक ने बोला कि ये तो बहुत गलत बात है, मतलब तुम आप साफ सफाई नहीं रखते हो अपने प्रति, कैसे आदमी हो। तो मैं बोला कि सर वैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं घर में बैठे हैं तो हम साफ़ सुथरे हैं, मुँह हाथ धो लिए, ऐसा लग नहीं रहा कि नहाना चाहिए तो नहीं नहाते, जब अंदर से लगता है तो नहाते हैं अपन ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है आज मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ मुझे लग रहा है तो नहीं नहाता। फिर उनमें से एक सर ने पूछा कि अच्छा मतलब आपके हिसाब से तो जिसका पेट बड़ा हो उसको खाना नहीं चाहिए, आपको नहाने की जरूरत नहीं पड़ती, नहा नहीं रहे हो ना। तो इस तरह से फिर उनमें से एक मैडम थी, उन्होंने बोला कि कुछ भी हो आप अपने प्रति रिलायबल हो, आपने जो है वो सामने रख दी चीज़, ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने खुद इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। तो हमको नहीं पता होता, तो सबसे बड़ी चीज़ है ना कि उसको ब्लेफ नहीं करना चाहिए हमें इंटरव्यूअर को कभी, जो चीज़ पता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हर चीज़ का आंसर देना ही नहीं, ये सोच के जाओ, जो उसी बंदे का इंटरव्यू ख़राब हो जाता है जो ये सोच के जाता है कि मुझे हर चीज़ का आंसर देना है। आप कुछ चीज़ें सोच लो कि मुझे आंसर हर चीज़ का करना ही नहीं है, क्योंकि आपसे वो हर चीज़ का आंसर चाहते भी नहीं है, वो सिर्फ पूछ रहे हैं। और हम फंस जाते हैं जो चीज़ का आंसर नहीं करना चाहिए उस चीज़ का आंसर देने बैठ जाते हैं। और ओपिनियन बेस्ड जो आंसर क्वेश्चंस हों उनमें आप क्लियर ओपिनियन दो, अपना स्टैंड रखो जो भी है ना, उसको जस्टिफाई बस कर दो बस। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको उसके साथ ही जाना है, वो क्रॉस करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन अपना ओपिनियन अपने इन सारी चीज़ों मुद्दों कुछ ऐसे मुद्दे हैं ना, आप ओपिनियन पहले से क्लियर करके जाओ। तो उसमें क्या है वहाँ दिक्कत नहीं होती, फंसता नहीं है आदमी, अदरवाइज़ थोड़ा तो टेस्ट करते रहते हैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें, कोई सिचुएशंस बहुत सारी दे देते हैं। एक इंटरव्यू था लास्ट में मेरा था, उसमें कोई कैप्टन करके आए थे वो आर्मी से रिलेटेड, उन्होंने क्या बोला कि मैं आपको 2 मिनट के लिए एंकर बनाता हूँ दूरदर्शन का, आपको 2 मिनट का समाचार बोलना है तो मतलब ऐसी सिचुएशन भी इस चीज़ें हो जाती हैं जो आपको थोड़ा सा नंबर यही बूस्ट कर दिए हैं। मैं बोला ठीक है सर मुझे 2 मिनट का टाइम भी चाहिए सोचने के लिए बोलने के लिए, बोले हाँ आप टाइम ले लो, तो आप कैसे बोलोगे क्या करोगे। तो ऐसे मतलब पता नहीं होता है, बट ये है कि आप कॉन्फिडेंस देखा जाता है, ऐसा नहीं है।
आप कॉन्फिडेंट हैं, अच्छे से जवाब दो जो भी है, क्लियर रखो, और जवाब आप अच्छे से तभी दे पाओगे जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ओपिनियन क्लियर हो। अगर आपने पहले से दिमाग में क्लियर कर लिया मेरा इस चीज़ में है, हाँ हर कुछ चीज़ें इशू होते हैं जो देश में चल रहे होते हैं जिन पे कोई क्लियर कट वो नहीं होता, इसलिए आप अपना ओपिनियन बना लो और उसके पीछे कुछ ऐसे एविडेंस, कुछ ऐसे बेस रखने पड़ेंगे कि सर ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा इसलिए, आप इस चीज़ के फॉलो क्यों कर रहे हैं, आप इस चीज़ की सपोर्ट में क्यों हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप क्यों चाहते हैं, क्या है उसके पीछे, क्या है, तर्क होने चाहिए, ऐसे हवा हवाई नहीं, तो वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। बाकी इंटरव्यू इतना इजी होता है अगर देखा जाए, हालांकि देखो मैं ये नहीं कहूँगा, मैं जब कोई भी बंदा वहाँ जाता है ना, वो जो 5-10 मिनट का पहले का टाइम होता है वो बड़ा ख़तरनाक होता है, वो हर इंसान को कहीं ना कहीं नर्वसनेस लाई देता है। जब अपन बाहर बैठे रहते हैं और सामने वाला बंदा इंटरव्यू दे के जा रहा है, निकल रहा है, तो वो उस टाइम जो दिमाग में चल रहा होता है ना, वो सबसे ख़तरनाक होता है। आप एक बार गेट के अंदर घुस गए, बैठ गए, उसके बाद तो फिर वो इशू नहीं है, लेकिन उसके पहले हम इतने नर्वस होने लगते हैं इतने कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और इंटरव्यू में कभी ज़्यादा जिस दिन देने जाओ ना उस दिन तो पूछो मत किसी से, मतलब बाहर निकलने वाला या कोई भाई तुमसे कौन सा क्वेश्चन पूछा भाई तुमसे, उससे कोई मतलब नहीं, आपका इंटरव्यू और डिस्टर्ब हो जाएगा। और कुछ चीज़ों के आंसर्स आप अपने दिमाग में सोच के जाओ, मुझे यही बोलना है, SDM क्यों बनना है, खूब ईमानदारी से बोल दो पापा जी चाहते हैं इसलिए बनना है, और थोड़ी बहुत चीज़ें बोल दो, तो वो चीज़ें और एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब एकदम आइडियल चीज़ हमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए कि हर चीज़ में हम कई बार आइडियल बनने लगते हैं ना, कोई जेन्यून प्रॉब्लम वो बोल करप्शन पे बोलना शुरू करेगा, करप्शन पे कई बार हम इतने आइडियल हो जाते हैं, नहीं सर करप्शन तो है नहीं, मैं तो ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, जो जेन्यून प्रॉब्लम है दिख रही है तो उनके कुछ सोल्यूशंस है ना, ये प्रॉब्लम से तो उनको रखना चाहिए। देखो अगर तुम नहीं चाहते हो तो तुम्हें कोई ऐसा वो नहीं है प्रेशर, समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि ऑनेस्ट ऑफिसर नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है, प्रशासन में बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत लोग जेन्यून काम करने वाले लोग भी हैं, है ना, तो उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन आप अकेले इतना ज़्यादा सिस्टम से मत भिड़ो कि आप अपने आप को ख़त्म कर लो। भाई अगर मैं कोई ऐसे, मेरे को ऐसा नहीं भिड़ना चाहिए कि मुझे बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिले, तो आप अपना जो स्टैंडर्ड है, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, आपकी जो वैल्यू हैं, आपको कोई नहीं डिस्टर्ब कर सकता जब तक आप नहीं चाहते हो, आपको रास्ते से हटा देगा, लेकिन सामने मुझे पता है कि आप ऐसा कोई काम नहीं करते, मैं कितना भी पावरफुल इंसान हूँ आपसे कराने की कोशिश ही नहीं करूँगा, मुझे पता बस हो, या तो मैं आपको रास्ते से हटा दूँगा बहुत पावरफुल हूँ, है ना, या फिर आपकी जगह कोई दूसरा ऑप्शन देख लूँगा, लेकिन आपको फोर्स कभी नहीं किया जाएगा। आदमी तब थोड़ा सा, अब मैं इसका वो नहीं बोल रहा हूँ कि इसका सॉल्यूशन, अब चूँकि सिस्टम ऐसा है बहुत सारी चीज़ें, हाँ बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आना चाहिए उस तरह की, आपको काम करने का बहुत एक्सपोजर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप पर्सनल लेवल पे ही इतना बड़ा एक मतलब ग्राउंड है, मतलब इतना प्लेटफॉर्म आपको मिलता है कि आपको कोई टच भी नहीं करेगा, आपकी चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो भी आप जिन चीज़ों से लोग डिस्टर्ब होते हैं या जो जिनकी भी बात कर रहे हो उनको आप टच भी नहीं करोगे तो भी आप बहुत सारा अच्छा काम कर ले जाओगे उनको डिस्टर्ब किए बिना। लेकिन हम दिक्कत यहाँ यह है कि जब वही न्यूटन वाली बात आ जाती है ना, कि आप इतने ज़्यादा रूड हो जाओ, है ना, कि हर बंदे को, हर उसको बदलने की, वो करने की प्रशासन में कोशिश करने लगते हैं, तो उस व्यक्ति फिर प्रभावित होने लगता है, फिर आपको क्या है कि समस्या का सामना करना पड़ेगा, फिर आप किस लेवल तक लड़ने के लिए तैयार हैं वो आप ध्यान देख लो, बस ये नहीं है कि आपको कोई ज़बरदस्ती फोर्सफुली हर चीज़ के लिए इन्वॉल्व किया जाएगा। बहुत सारे लोग हैं यार कि रास्ते से हट जाते हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं मैंने देखे हैं पिछले 1.5-2 सालों में, तो बहुत ऑफिसर्स से मिल चुके हैं, मतलब हमारे सेशंस में भी बहुत आते हैं, तो हर तरह के ऑफिसर्स से मिल चुके हैं, लेकिन प्रशासन में एक चीज़ की है कि आपकी कंपिटेंसी, उसका कोई ऑप्शंस नहीं है। कई ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जिनके मतलब
बैकग्राउंड देखो, मतलब उनका मतलब ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा ना हो, लेकिन वो कई मामलों में उनके पास अच्छी स्किल्स थी, तो भी उनकी डिमांड है, उनकी पूछ है, क्योंकि उस चीज़ को उनको डील करने के उनके पास स्किल्स है। तो आपको, आप ईमानदार हो या जो भी हो, आप अच्छी बात है, लेकिन स्किल्स आपके पास, कंपिटेंसी होनी चाहिए, तो आप टिक पाओगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतना ज़्यादा फोर्स किया जाएगा या जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो अलग सिचुएशंस हैं। और कोई और किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए फिर मैं एक अंतिम क्वेश्चन के साथ, है ना, क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए, सिलेक्शन के बाद कैसा लगा था? जैसे एक लंबा टाइम पीरियड हमारा हो जाता है, उनका क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। समय जैसे UPPCS में भी समस्या, देखो देखो उस टाइम यही था, एक तो फैमिली का सपोर्ट था, है ना, फैमिली वालों ने बोल रखा था नहीं कोई इशू नहीं है, तुम पढ़ो, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये थी कि ये था कि यार कोई और एग्ज़ाम भी आएगा, अगर ऐसा नहीं हम तैयारी कर रहे हैं, और उस टाइम MPPSC आ भी रही थी लगातार, ऐसा नहीं है, और अदर स्टेट, तो ये था कि मैं तैयारी करके कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। अगर ये, मैं ये नहीं सोचा था कि मेरा इस एग्ज़ाम में हो, उस टाइम ये एग्ज़ाम को मैं भूल गया था कि अगर ये एग्ज़ाम रुक भी जाएगा, नहीं भी आएगा, तो हम तैयारी करके कहीं और सेट हो ही जाएंगे। तो उसके लिए आपको यही ऑप्शन है, आप ये उसी पे बस मत बेस्ड हो जाइए कि नहीं यार ये नहीं आएगी तो मतलब मैं और कुछ कर नहीं पाऊँगा, तो आप दिक्कत फील करोगे। तो उसके लिए ये है कि कंटिन्यू रखोगे और दूसरे एग्ज़ाम को हम ऑप्ट कर लेंगे, दूसरे एग्ज़ाम की तरफ चले जाएंगे अगर ऐसा होता है, लेकिन पढ़ाई तो जारी रखनी पड़ेगी, उस दौरान ब्रेक नहीं होना चाहिए, फिर ब्रेक हो जाता है दिक्कत हो जाती है। और एक एग्ज़ाम को आप लेके बैठे हो, मान लो उस एग्ज़ाम में नहीं हुआ, तो वो भी तो एक इशू है ना, तो वो भी सोच के चलना चाहिए। दूसरा, अगर बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो तैयारी करना चाहिए, अगर है तो फिर उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तब भी आदमी बहुत सारी तैयारी करते हैं, आजकल सब वर्किंग भी लोग भी बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं और निकाल रहे हैं। बिल्कुल, वर्किंग का रेशियो बल्कि ज़्यादा बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है, सही कह रहा है। तो हमारा प्रश्न ये था कि इतना स्ट्रगल जब होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा, तो उसके बाद जब सिलेक्शन रिजल्ट आता है तब क्या फील होता है, तब की फीलिंग क्या है? रिजल्ट के बाद की तो अलग बात है, जिस दिन रिजल्ट आता है वो अलग दिन होता है यार, उसकी फीलिंग अलग होती है। तीन चार रिजल्ट तो देखे हैं ना, तीन चार में अनसक्सेसफुल शुरुआत में हो रहा था, फिर सक्सेसफुल हो रहा था। वो रिजल्ट जो है वो बहुत, मतलब आपको बहुत ही, मतलब उसकी, मतलब शब्दों से बयां तो नहीं कर सकते हम कि उस टाइम क्या सोचते हैं। उस टाइम ऐसे ही लगता है हमें लाइफ की, मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़, और अचानक से आपकी ज़िंदगी बदलती है, अचानक से, रातों रात जिसको बोलते हैं, आपको देखने का, परसीव करने का तरीका लोगों को बदल जाएगा, ये आप मान के चलो सिलेक्शन के बाद। ये बात तो है, लेकिन मैं यहाँ एक और चीज़ बता दूँ कि वो सिलेक्शन की खुशी आपकी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। नहीं सही है, वो भी मतलब उससे भी ज़्यादा, आपको क्या लग रहा है, उससे ज़्यादा डिप्रेस्ड लोग यहाँ हैं सिस्टम के अंदर, उससे ज़्यादा प्रताड़ित लोग हैं, उससे ज़्यादा परेशान लोग हैं, जितना आप लोग परेशान नहीं हो, कोई परेशानी नहीं है, इससे अच्छा कोई टाइम नहीं है। इतना इतना जो लोग बोलते हैं ना मेरे पास प्रेशर है, डिप्रेशन है, ये है, कुछ है, मैं बोल रहा हूँ इससे फ्री टाइम आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा। यहाँ आपके सिर्फ दो ही काम है, पढ़ना, खाना, सोना, इसके अलावा कोई काम नहीं है, ना कोई प्रेशर है। आप अगर प्रेशर है तो आप खुद क्रिएट कर रहे हो, रियल में वो प्रेशर कहीं नहीं है, बताओ अगर इसके अलावा और कोई काम हो तो। लेकिन इसके बाद की लाइफ में आपको, चाहे आप सक्सेसफुल पर्सन हो, अनसक्सेसफुल हो, कितने भी बड़े अमीर हो जाएं, कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो जाएं, अधिकारी हो जाएं, प्रेशर तो आपके पास रहेगा, और कोई ना कोई समस्या है तो वहाँ तो और भी ज़्यादा जूझना है यार, इसमें कोई दो राय नहीं। जब सिस्टम के अंदर आप जाओगे तो वो अलग ही चीज़ है, वो अलग ही दुनिया है। तो वो सिलेक्शन की खुशी आपको कितने दिन तक कंटिन्यू रह पाती है वो अलग बात है, पर खुश तो होना चाहिए यार, वहाँ तो एक लाइफ का फेज बदल जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं।
हर चीज़, मतलब आपकी हर चीज़ बदल जाती है, इसमें कोई इशू नहीं है। आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब जो जीवन में मिलनी चाहिए ऑटोमेटिक मिल जाती हैं बिना किसी प्रयास के उसके बाद। लेकिन उसके बाद अगर लाइफ बहुत अच्छी रखनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत कॉन्शियस होने की भी ज़रूरत है आज की डेट में, बहुत सारी चीज़ें। नहीं तो देखो यार, कितने DM SP कितने लोग सब सुसाइड कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। उसके रीजन्स हैं कि ये जो हम सोचते हैं ना, ये खुशी के कोई वो है ही नहीं। मीन्स आप कितने भी पैसा कमा लो, अभी मुझे इसलिए लगता है जब वहाँ बैठे रहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है या मेरे पास वो चीज़ नहीं है, लेकिन वो चीज़ आपको बहुत देर तक हैप्पी या बहुत देर तक खुश नहीं रख पाती है। कितने सिलेक्ट होने के बाद साल दो साल भूल जाएंगे, आदमी अपनी रैंक भूल जाता है, अपनी सब कुछ भूल जाता है, उसको कुछ पता नहीं रहता कि कौन सा सिलेक्शन हुआ था, क्या हुआ था। वो काम में अपने इतने बिजी हो जाता है और फिर धीरे धीरे ऐसी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू होता है, तो बहुत सारे आपके अंदर प्रेशर, बहुत सारे डिप्रेशंस आते हैं। और जॉब करना आज की डेट में बहुत टफ टास्क है। जैसे जैसे पब्लिक की एक्सपेक्टेशन और ये सारी चीज़ें बदल रही हैं, तरीके बदल रहे हैं, तो सिविल सर्विस का मतलब पूरा पैटर्न ही चेंज हो रहा है, ये भी आप ध्यान रखो। जॉब का पैटर्न चेंज हो रहा है, अब वो जॉब नहीं रही कि आप घुस गए तो घुस गए। ठीक है, बिल्कुल देखो मैं अपना रियल में बता दूँ, है ना, कि मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मेरा रिज़ल्ट आया था, और मुझे पहले भी रिज़ल्ट आने के पहले भी लगता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कहीं ना कहीं। सब कहते थे, मैं भी कहता था, है ना। तो खुशी तो बहुत हुई थी, खुशी इन द सेंस इसलिए भी हुई कि हमको सबसे ज़्यादा दुख कब होता है, जब हमारे एक्सपेक्टेशन टूटते हैं। मुझे अगर किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं हो तो मुझे कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर मेरी फैमिली मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती, है ना, और हमारे साथ वाले हैं, जब आपके ऊपर एक भरोसा बन जाता है ना, तो आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर देता है। जैसे इन्होंने बोला हमें भी लगता था, तो ऐसे क्या है, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। भले मुझे मेरे सिलेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ रहा हो, भले मैं ऐसा इंसान हूँ कि नहीं भी होगा यार सिलेक्शन तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये प्रेशर जो है ना, इसको झेलना बड़ा कठिन होता है। कि यार घर वालों को भी लगता है कि यार सिलेक्शन होना चाहिए, मतलब एक उम्मीदें हैं, दोस्तों को भी लगता है। तो वहाँ पे जब आप कोई एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल कर देते हो इस तरह का, तो वो थोड़ा सा खुशी आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। और एक चीज़ और बता दूँ कि आप सिविल सर्विस में जाओगे ना, तो आपके पर्सनल जीवन में कोई इतना ज़्यादा इन्जॉयमेंट नहीं मिलेगा, आपके आस पास वाले लोगों को ही मिलना है उसका फ़ायदा, इतना ध्यान रखना। आपको तो भाई यहाँ वहाँ घूमना है, मुश्किल से छुट्टी मिलनी है, सारी चीज़ें, लेकिन आपका ब्रदर खूब इंजॉय करेगा, आपके फादर इंजॉय करेंगे, आपके आसपास वाले होंगे, उनके सारे काम होंगे, उनकी सारी चीज़ें होंगी, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी लाइफ में। तो इसी में खुश हो लो, यही है। तो ये चीज़ है कि अच्छा लगता था, बट ये इतना भी मैंने कभी ज़िंदगी से इतना वो नहीं सोचा कि हाँ यार मतलब एकदम लाइफ बदलने वाली चीज़ है, या सिविल सर्विस को कई लोग बहुत ज़्यादा वो लेते हैं, इतना भी नहीं। ये भी एक मीन्स है यार, तो आपको सर्व करने का और अपनी लाइफ बेटर करने का, उसी वे में लेना चाहिए। अदरवाइज कोई ये सोचता है कि सिर्फ यही एक माध्यम है जिससे आप, नो डाउट आप बहुत सारा चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों को अपने जो आपने जीवन में सोच रखा है उस तरीके से कर सकते हो, लेकिन और भी अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और बेहतर तरीके से काम कर सकते हो। तो ये भी है, तो इतना ज़्यादा हाई भी नहीं था मैं बहुत ज़्यादा कि बिल्कुल एकदम नहीं कोई। और दूसरी चीज़, UPSC का अपना टारगेट चल रहा था, मेरा तो रिजल्ट आया था, उसके 3 दिन बाद मेरा मेंस था। तो मैं तो घर भी नहीं जा पाया था उस टाइम। रूम में ही था। रिजल्ट आया था शायद आपका 28 नवंबर में आया था, इसका रिजल्ट 2016 में, और 1 दिसंबर से UPSC मेंस था उस टाइम। और ये भी कि ऑप्शंस भी रखने चाहिए, ये भी बोलूँगा लास्ट टाइम, कि आप ना तैयारी के दौरान कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर लो या देख लो कि इन बिटवीन आपको कुछ करना पड़े तो आप कर सको उसको।
मैं भी उस टाइम तैयारी करता था, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। उस टाइम DU का मैंने एंट्रेंस दे दिया था लास्ट ईयर, मतलब लॉ का। तो एंट्रेंस तो ऐसे ही दे आए जाके, चलो दे आए। उसके बाद में उसमें जब नाम आ गया तो बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप चले जाओ, अगर यहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो छोड़ देना, छोड़ना ही है, और नहीं होता है तो कम से कम आपके पास एक अच्छी डिग्री होगी और उसके बेस पे आप आगे बहुत कुछ कर सकोगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट जब वही है कि टाइम का, हाँ एक पर्टिकुलर टाइम दे लो, उसके बाद ही इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको पता भी चल जाएगा और सिलेक्शन कई बहुत ऑलमोस्ट हो जाते हैं। और ये मान के चलो कि आपने अच्छे से तैयारी की है तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्ट हो ही जाओगे। अभी तक तो ऐसा कोई बंदा अपने बीच में नहीं रहा, लगभग कहीं ना कहीं निकल ही जाते हैं। अच्छा, एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम, ठीक है, जो हर स्टूडेंट फेस करता है या फिर हम फेस करते हैं, हम घर से आते हैं बाहर, बिल्कुल आने के बाद यहाँ पर रेंट में रूम लेते हैं, रहते हैं, कुछ समय बाद ये फील होता है कि कुछ चार मित्रों के साथ रह लिया जाए, है ना, रेंट कम हो जाएगा। यहाँ तो में प्रॉब्लम है, रेंट कम हो जाएगा, खाने पीने की प्रॉब्लम अलग रहती है। तो जो एक देखो, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग साथ में रहें, और ये कुछ मेरे ऐसे दोस्तों में हैं जिनके साथ कोई इशू नहीं हुआ हमारा, हम तब भी वैसे थे, उस समय भी उतना ही रहता था, एक कोऑपरेटिव नेचर में। इनका एक बात बताता हूँ आपको, उस दौरान एक मित्र आए थे, अब मैं बस बताना मुझे ज़रूरी लगता है, तो ये कोऑपरेशन की बात है। और उदय भांजी हमारे ऐसे व्यक्ति हैं कि जो पूरा खर्चा उनका उठाते थे, पूरा का पूरा, एक बड़ा मतलब एक बड़ी बात होती है। हम दो दो रुपए के लिए लड़ जाते हैं, होता है आमतौर पे हिसाब किताब वाले दिन। सही बात है, होता है आमतौर पे, होता है दो दो रुपए के लिए कर जाते हैं, कुछ कर जाते हैं। लेकिन ये वो पर्सन अब कैसे मैनेज करते थे, घर से किस तरीके से करते रहे होंगे, लेकिन ये कह था कि मित्र है, कहीं ना कहीं पे ऐसा होगा कि ईश्वर ना कहीं ना कहीं पे उसे भी सेट का, आज वो भी सेट हो गए और ये भी हो गए। तो क्या होता है कि ये कंडीशन कैसे, मतलब इस पे थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। देखो यार, ऐसा है कि लाइफ में ना सबके अप और डाउन्स आते ही हैं, इसमें तो सोच के ही नहीं चलना कि कैसे आपकी ज़िंदगी एक जैसी चलेगी। जिस दिन आपकी लाइन सीधी बन गई उस दिन आप ख़त्म, ECG भी ऊपर नीचे ही आती है तभी आप जिंदा हो। तो सबसे बड़ी चीज़ है ना, आप सामने वाले की मजबूरी या कोई समस्या है तो उसको इंजॉय मत करो यार कभी, आप हेल्प करो या नहीं करो अलग बात है, लेकिन हम उसको कई बार एंजॉय करना शुरू कर देते हैं गलत तरीके से, या उसके वो उसकी उसकी परिस्थिति या उसकी जो उस टाइम कंडीशंस है उसको डिनाय तो करते ही हैं, साथ में उसका हम थोड़ा सा मजाक भी बना लेते हैं। वो थोड़ा सा बहुत साई फीलिंग वाली बात है, और आगे चल के हमें भी उस चीज़ का एहसास कभी ना कभी होता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जीवन में अच्छे दोस्त बना के ज़रूर रखो, आप कितने भी सक्सेसफुल इंसान हो जाएँ, कुछ भी हो जाएँ, अगर आपके जीवन में दोस्त नहीं है तो आप समझ लो आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा बहुत गड़बड़ होने वाली है। क्योंकि जो शॉक्स ऑब्जर्वर हैं, जो आपके समय समय पर दिमाग में पिंच करेंगी चीज़ें, वो वहीं से करेंगे, और जब आप परेशान होगे तो कम से कम आपको एक प्लेस है जहां आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो बिना किसी झिझक के, बिना किसी उसके। तो आपके अच्छे दोस्त होना चाहिए, और जब भी आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ तो उससे अलग फील्ड के भी दोस्त रखो तो और अच्छा है। कई बार मैं देखा हूँ ज़्यादातर जगह हम क्यों परेशान रहते हैं, एक ही, अभी आप जितने कोचिंग्स वाले हैं आप उनके अच्छे मित्र बन जाइए, आपके कल से इशू शुरू हो जाएंगे। और मतलब वही वही दिमाग में चलता रहता है हमेशा, वही सारी चीज़ें प्रोफेशंस की बात चलेंगी। अब मेरे जितने मान लो पुलिस फ्रेंड होंगे, हमेशा बात होगी तो प्रोफेशंस की होंगी ना, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जब मेरे अदर साइड फ्रेंड होंगे तो ये बात ही नहीं होगी, और उसी की हमको ज़रूरत है, थोड़ा हमारा माइंड चेंज हो जाता है, थोड़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो अच्छे दोस्त ज़रूरी होते हैं, खुद के प्रति ईमानदार रहो, सामने वाले की जो हेल्प कर सकते हो आप अपने लेवल पे करनी चाहिए, कोई भी है, बस आप बंदा सही जज करो, ये ज़रूरी है। आप गलत आदमी की भी अगर चंगल में फंस गए तो आप टाइम ख़राब कर दोगे। तो आप जेन्यून हो तो आप किसी की प्रॉब्लम जेन्यून है, जो आप कर सकते हो कर देना चाहिए, और आप अपने दोस्त जो भी हैं, आप आगे कुछ भी बन जाएं, उनको हमेशा कंटिन्यू रखिए, वही आपके सही दोस्त हैं। आपकी सक्सेस के बाद तो हर तरह के दोस्त मिल जाएंगे, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप जो मैं बोल रहा हूँ ना कि आप कोई भी सफलता हासिल करते हो ना, आप वहीं पे अपनी सफलता को फील कर पाओगे जब आप वैसे लोगों के पास जाओगे जहाँ से आप उठ के आए। तो आप पुराने दोस्त हैं वो उनके उनको प्राइड फील होता है तो थोड़ा अच्छा लगता है,
अदरवाइज़ तो देखो यार, आप जाओगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपके, पुलिस फ्रेंड हैं, उनको क्या दिक्कत है? आपके और अभी जॉब वाले फ्रेंड होंगे, उनको आपके इतना गर्व भी नहीं होगा यार, आपकी इतनी वो भी नहीं होगी। तो पुराने दोस्त अपने हमेशा याद रखना चाहिए, मैं तो यही बोलता हूँ, भूलना नहीं चाहिए लोगों को। और जो भी आपके वेस्ट, जिस तरीके से आप मदद कर सकते हैं, पढ़ाई में, पैसे में, जहाँ भी, उसको थोड़ा बहुत मानसिक संभल ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, हमें आजकल सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। साइकोलॉजिकली हमको थोड़ा सा कोई संभल दे देता है, थोड़ा सा प्रोत्साहन दे देता है, तो अच्छा लगता है कि कोई है हमारे साथ। तो देखो, सबके लाइफ में मेरा यही मानना है कि कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशंस आती हैं कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आपके पास संसाधन हो तो भी, नहीं हो तो भी। तो कई बार हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो लोगों को दिख जाती है, कई ऐसी प्रॉब्लम है जो दिखती नहीं है लेकिन है, तो उसके लिए भी दोस्त बहुत ज़रूरी हैं। तो यही बोलूँगा कि अच्छे दोस्त रखने चाहिए कम से कम। अच्छे दोस्त बनिए भी और बनाइए भी। बनेंगे तभी जब आप अच्छे होंगे, ये भी रियलिटी है। अदरवाइज़ जो अच्छा इंसान होगा आपको, अगर आप अच्छे नहीं हो तो छोड़ के चला जाएगा ना यार। एक ही बार टेस्ट कर सकता हूँ ना मैं, अगर कोई मेरे को एक बार धोखा दे दिया तो फिर मैं दोबारा क्यों उस इंसान के पास जाऊँगा? तो वो तो गया ना। तो आपके अच्छे दोस्त तभी बनेंगे जब आप अच्छे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए फिर, और किसी का कुछ पूछना हो, नहीं तो फिर सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है? और कल UPSC का पेपर हुआ था, पेपर देखा होगा आप लोगों ने? पेपर कुछ अच्छा था? साइंस टेक से क्वेश्चन आए थे ज़्यादातर, देखा था सबने, देखा है ना? तो उसका डिस्कशन करेंगे हम कल, करेंगे कल का सेशन। आपका क्वेश्चन पेपर को पूरा डिस्कशन करना ज़रूरी है। देखो क्यों, क्योंकि यदि हम पेपर देख के नहीं अभी चलेंगे ना, तो ट्रेंड को नहीं समझ पाएंगे। बड़ा इजी, कल तो बड़ा कॉन्फिडेंस मुझे आ रहा था, कल बहुत बच्चों के फ़ोन कॉल भी आए, तो फाइनली उस पर हम चर्चा करेंगे। एक बात तो ये, आज चूँकि अब साथ में सर हैं तो आज मैं टाइम नहीं दूंगा आप लोगों को, आज जो है मेरा बनता है, सर के साथ में मुझे जाना है दिल्ली, तो हम जो है कल आपकी क्लास हो पाएगी। आज की क्लास राविन सर की भी नहीं हो पाएगी क्योंकि वो भी चले गए, ठीक है? थोड़ा सा इस दौरान कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम के बारे में भी मैं आपको बता दूँ।